So today's chapter is magnetic effects of electric current. This is chapter 13 of class 10th. And in this chapter, we will study and learn about few things. Basically, effect of electric currents. Effect of electric current को समझने से पहले we will learn the magnetic field and field lines. जैसे किसी एक magnet के चारों तरफ उसकी magnet होती है और उसकी fields होती हैं. एंड उनको फील्ड लाइंस होती हैं, जो लाइंस देख रही हैं तो उनको फील्ड लाइंस बोलते हैं. वो क्या होती हैं वो समझेंगे. सेम वे में जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ना चलता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स. अब वो कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, मे बी अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा तार, यदि उसमें करंट चल रहा है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, तो वो कैसी होती हैं. और सर्कुलर लूप, मतलब हमने तार को ऐसे गोला बना दें, एक सर्कल बना दें, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर लूप. यदि सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं वो कैसी बनती हैं. एंड इफ आई हैव सो मैनी टर्न्स, तो जब सो मैनी टर्न्स होते हैं उसको बोलते हैं सोलेनाइड. यदि सोलेनाइड होती है और उसमें करंट फ्लो होता है इस टाइप से मल्टीपल लूप्स में, तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके बारे में वी विल लर्न. वी विल ऑल्सो स्टडी फोर्स ऑन करंट कैंडिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यदि सेम कंडक्टर है, ये तार लो और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, वो कुछ फोर्स फील कर रहेगा, और यदि करेगा तो वो क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये क्या चीज़ होती है, यही चीज़ वो होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है, या बोलें कि जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द रीज़न कि हमारी मोटर घूमती है या हमारा जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसके बारे में जानेंगे. एंड इन द एंड वी विल लर्न थोड़ा बहुत अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. जो आपके घर में वायरिंग वगैरह होती है वो वायरिंग कैसे होती है, उसमें क्यों एक दो तीन डिफरेंट कलर्स के वायर होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में जानेंगे. सो इन टोटलिटी वी विल लर्न अबाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, और डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स में कैसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, और यदि कोई कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होता है, वो सब चीज़ हम जानेंगे. क्लियर है, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट, तो समझने के लिए ना एक सर्किट ले लेते हैं. सो दिस इज़ अ सर्किट यू हैव, राइट, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ये दिस इज़ अ बैटरी, पॉजिटिव साइड से हमारा करंट फ्लो करता है. व्हाट इज़ दिस, एमीटर, जो करंट मेजर करेगा. आर इज़ अ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोले, इसकी डायरेक्शन है. एक्स वाई, ये हमारा एक वायर हो गया सीधा. के इज़ व्हाट, की या प्लग बोले, स्विच बोले, कुछ बोले. तो हमने जब सर्किट को कनेक्ट किया तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, राइट. और हमने क्या जाना था, जब भी करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में इट प्रोड्यूस हीट, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने को या चार्ज जब टकराता है तो हीट प्रोड्यूस होगी. दैट इज़ व्हाट वी लर्न. वी ऑल्सो लर्न कि यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जैसे बल्ब के अंदर होता है, सो द हीट विल बी सो इनॉर्मस कि अल्टीमेटली इट प्रोड्यूस लाइट. तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझ लिया था. अब ना एक एक्टिविटी करते हैं. क्यों करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जब एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो और क्या इफेक्ट्स होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम हीट, हीट जनरेट होने के अलावा और क्या क्या चीज़ होती है. तो पहले इसमें एक स्टेप ये करते हैं कि टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो एक्स और वाई है, इसमें ये जो हम ये जो तार लगाया था उसको हटा के ना प्लेस कर देते हैं कॉपर वायर, जो कि नेकेड है, इंसुलेटेड वाला नहीं है. जो आपके घर में सर्किट में होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक या रबड़ की कोटिंग होती है. हम उसकी बात नहीं कर, हमने उसको हटा दिया, एकदम एकदम सॉलिड कॉपर का वायर लगा दिया, थोड़ा मोटा, राइट. ये जो एक्स वाई में द वायर एक्स वाई इज कैप परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर, और हमने इसको इस तरीके से लगाया कि ये ना एक पेपर से आर पार हो जा रहा है. तो मान के चलो ये ए बी सी डी इज़ अ पेपर, और इस पेपर में से आपने थ्रू एंड थ्रू पास कर दिया, मीन्स ये यहाँ से उसमें घुसा दिया छेद करके, ये निकल गया. दैट मीन्स ये पेपर के क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक.
अब ये पेपर जो है ना, हमारा जो पेपर जो है वो पतला सा नहीं है, थोड़ा हार्ड बोर्ड का है ऐसे मान के चलो, क्योंकि उसके ऊपर हमको एक चीज़ रखनी है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कंपास। सो हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, राइट। ये जो कॉपर वायर है और इस पेपर के ऊपर, जो कॉपर वायर पेपर के बीच से निकल रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में लो, एक तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकाल दो, और अब आप इस पर रख सकते हो। वट यू हैव टू कीप अ कंपास। अब कंपास जो है, इसको यदि आप ध्यान से देखो, ये तो बहुत छोटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कंपास क्या तो बड़ा बना देते हैं इसको। तो दिस इज़ द कंपास। सो कोई आपसे पूछे कंपास क्या होता है, कंपास वही होता है जो कि सेलर्स यूज़ करते हैं। तो पुराने ज़माने में सेलर्स होते थे, या आजकल भी जो सेलर्स होते हैं उनकी शिप में ये लगा रहता है। इस कंपास की खासियत क्या होती है कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है रेड ब्लू ग्रीन करके, ये ऑलवेज, इसकी जो निडल होती है ये आप ऑलवेज देखेंगे, इट विल ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ। ये इसकी खासियत होती है कंपास की। यदि आसपास कोई भी चीज़ ऐसी मैग्नेट वगैरह नहीं है तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। और आप कंपास अपने घर में भी बना सकते हो, राइट। कैसे बना सकते हो, एक ग्लास लो उसमें पानी भरो, कांच का एक ग्लास लो उसमें पानी भरो, और उसके ऊपर एक सिंपल सी पिन होती है ना, या निडल है आपके घर में, सो निडल को, सुई, निडल मतलब सुई, सुई को उसके ऊपर ऐसे पानी के ऊपर रख दो एग्जैक्टली जिस तरीके से, मान लो ये ग्लास का टॉप है, ये पानी है, उसके आप ऐसे करके निडल रख दो। और निडल कैसे रखोगे, व्हाट यू कैन डू इज, आप एक ब्लॉटिंग पेपर ले लो या नैपकिन ले लो, उस नैपकिन में निडल को रखो और उसको बिल्कुल ऐसे रखो धीरे से कि निडल तो ऊपर ही रह जाएगी पानी पर, और आपका जो पेपर है वो डूब जाएगा, उसको डूबने दो पानी में। तो आप देखोगे निडल जिस भी पोजीशन में होगी घूम के, वो जिस डायरेक्शन में जाके रुकेगी, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये कंपास की खासियत होती है कि इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अनलेस अनटिल इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड ना आ जाए। तो अभी हमारा ये सर्किट है, अभी मान के चलो कि मेरा ये सर्किट क्या है, ऑफ है। ऑफ मीन्स ये जो की है स्विच आपने ऑफ किया हुआ, मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग। उस समय वट यू आर सीइंग द पोजिशन ऑफ दिस निडल। ये जो निडल है जो एक्चुअली एक्चुअली यहाँ रखी हुई है कार्डबोर्ड के ऊपर, एकदम ये परपेंडिकुलर जा रहा है और ये उस कार्डबोर्ड पे रखी हुई है, राइट। तो डायरेक्शन क्या है, इट इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ। अब आप क्या करो, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाई इंसर्टिंग द की इन टू द प्लग। अब ये जो की है इसको ऑन कर दो। तो अब इसको ऑन करोगे तो क्या होगा, तो इसमें से करंट पास होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नाउ द सर्किट इज़ कम्प्लीट, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से आएगा। कैसे मालूम चलेगा करंट फ्लो, आपके जो एम मीटर है उसमें रीडिंग दिखने लगेगी। जब अभी रीडिंग दिखने लगेगी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल। ये जो कंपास की निडल है, जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया तो आप देखेंगे कि कंपास की निडल की जो है डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले जब ऑन नहीं था वो ऐसे नॉर्थ को शो कर रही थी, जैसे ही आपने ऑन किया तो यू विल फाइंड देर इज़ अ डिफ्लेक्शन। अब कंपास की निडल नॉर्थ को नहीं कर रही है, इट इज़ इन ऑपोजिट सम डायरेक्शन, मे बी इट इज़ राइट और मे बी इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है, पर मान के चलो हमने अपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इट हैज़ मूव टू द राइट साइड। दैट मीन्स करंट ऑन करने पर, यदि मैं करंट को ऑफ करता तो इट इज़ नॉर्मल, नॉर्थ को शो कर रही है। पर जैसे हमने करंट ऑन किया, वी फाउंड कि ये जो निडल कंपास की जो निडल है, इट हैज़ मूव्ड, इट हैज़ डिफ्लेक्टेड। तो ये जो कंपास यहाँ रखा हुआ है, यही वाला बड़ा वाला कंपास एक्चुअली यहाँ रखा हुआ है, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि निडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब निडल को डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या हुआ, निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है, हमने क्या बोला था, नियर बाय कुछ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हमने ये करंट पास किया, इसका मतलब है कुछ तो हुआ है, इसका मतलब है आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए हैं, राइट। ये बोल सकते हैं, इसका मतलब यही बोल सकते हैं। यदि ये बोल सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हुई, क्या किया हमने, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें करंट पास किया एक कॉपर वायर के अंदर, जो कि हमारा स्टेट कंडक्टर है, उसमें से हमने जैसे ही करंट पास किया तो हमारा कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ये इससे प्रूव होता है, कह सकते हैं हम। एंड इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट।
इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसकी वजह से ये जो कंपास है हमारा मूव किया। और ये हमारा कंपास कहाँ रखा हुआ है, इस स्टेट कंडक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द पेपर है या कार्डबोर्ड है उसके साइड में हमने कंपास रखा है, राइट। तो इससे हमारा क्या मालूम चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो 100% जनरेट हुई। उसको हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से जनरेट हुई। एंड इट इज़ प्रूव बाय वट, इट इज़ प्रूव बाय अ कंपास। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी। और ये किसने पता लगाया था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टड, ओयरस्टड थे। इन्होंने 1828 में एक्चुअली ये काम कर रहे थे अपनी लैब में और वहाँ पे कंपास रखा हुआ था। तो एक सीधी सर्किट पे काम कर रहे थे, अचानक इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने करंट ऑन किया, इन्होंने देखा कि कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये सर ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, मैंने तो इसको कुछ किया नहीं। फिर इन्होंने जब इसको टेस्ट दो तीन बार किया तब इनको कंफर्म हो गया कि जब भी ये की को ऑन कर रहे हैं मीन सर्किट में करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, एज अ रिजल्ट ये जो है मेरा कंपास इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है। एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन। और इन्हीं के नाम पर थोड़ा और स्टडी की तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड फिनोमेना पे बहुत काम किया। एंड स्पेशली क्योंकि जब इन्होंने इतना काम किया तो इनके सम्मान में द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम एज ओयस्टेड। तो इन्हीं के नाम सम्मान में जो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ, उसकी जो यूनिट होती है फील्ड की, जो स्ट्रेंथ होती है, कितनी ताकतवर मैग्नेट बनी, उसी को बोलते हैं ओयस्टेड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मैग्नेट बोलते हैं ना कमज़ोर मैग्नेट, बहुत ताकतवर मैग्नेट है, कभी कोई बच्चे स्कूल में ले आते हैं ताकतवर मैग्नेट, और किसी की छोटी कमज़ोर मैग्नेट होती है मतलब कम ताकत की। एंड दैट ताकत की जो डेफिनेशन होती है वो तो परमानेंट मैग्नेट आता है स्कूल में। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसको इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ की यूनिट क्योंकि इन्होंने पता लगाया था इन्हीं के नाम पर रख दी गई। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। अब लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट विद परमानेंट मैग्नेट कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए सो वी नीड अगेन अ कंपास, राइट। और एक और चीज़ क्या चाहिए होगी, वी नीड अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट लाइक ये किस फॉर्म में है, इट्स फॉर्म ऑफ अ बार। तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो दिस इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट। है परमानेंट मैग्नेट क्योंकि शेप बार फॉर्म है, इसलिए इसको बार मैग्नेट बोल रहे हैं। ओके, कंपास और परमानेंट मैग्नेट आपके पास दोनों चीज़ अवेलेबल है। हमने नॉर्मली क्या देखा, कंपास इट ऑलवेज, उसकी जो निडल है इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, एक साइड नॉर्थ होगी एक साइड साउथ होगी। और हमने क्या देखा कि जब हम परमानेंट मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो कुछ होता है क्या, तो देखो कुछ हुआ, जैसे ही मैंने ये लाया तो निडल डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। नाउ इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस परमानेंट मैग्नेट, राइट, ये बार मैग्नेट की तरफ कर रहा है। चलो इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लाते नीचे, अब देखो नाउ अगेन निडल उसी डायरेक्शन मूव कर रही है, और नीचे ले गए, नाउ अगेन इट इज़ फॉलोइंग। दैट मीन्स जिधर भी मैं परमानेंट मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ कंपास की निडल उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब मैं बार मैग्नेट इस कंपास निडल के पास में ला रहा हूँ तो ये निडल क्यों मूव कर रही है, जबकि मैंने तो इसको टच भी नहीं किया, ऐसा क्या हुआ। सो यू बींग एन इंटेलिजेंट गाय क्या बोलोगे, सर ये एक मैग्नेट है तो कंपास की जो निडल होती है ना वो भी एक मैग्नेट ही होती है एक्चुअली, बस ओनली डिफरेंस इज कि ये इस पॉइंट पर रोटेट भी कर सकती है, जबकि हमारी बार मैग्नेट क्या है, रोटेट नहीं कर पा रही, कोई पिवट नहीं है इसका, है ना। ये लट्टू की तरह घूम सकती है, क्योंकि ये घूम सकती है तो जिधर आप ले जा रहे हैं इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि ये भी मैग्नेट है तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो रेड वाला क्या है, साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, दोनों सॉरी ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये एक दूसरे को फॉलो कर रही है, ये बोल सकते हैं हम। चलो इफ दैट इज अ केस लेट्स पुट इट दिस वे, अब बताओ इस कंपास के निडल में क्या होगा, कैन यू टेल। और यदि नहीं बता सकते
लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, करके देखने ना हाथ कंगन को आरसी क्या। सो इफ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड देखेंगे कंपास को इस मैग्नेट के चारों तरफ घुमा के कि निडल हमारी कैसे कैसे मूव करती है, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स डू एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, मतलब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर को चिपका दो, ठीक है। उसके बीच में क्या करो, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर, जो अभी हमारे पास बार मैग्नेट थी जिसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल था, उसको इस तरीके से मैग्नेट को रख दो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करो, स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। यदि आयरन फाइलिंग क्या होती है, आयरन का चूरा, लोहे का चूरा, पाउडर टाइप समझ लो, ठीक है। पाउडर से थोड़ा सा मतलब पाउडर तो क्या होता है, उसमें ग्रैनुल्स एकदम गोल गोल होते हैं, इसमें गोल गोल ना होकर थोड़े थोड़े लंबे लंबे से होते हैं, दिस इज द ओनली डिफरेंस, इसलिए उसको फाइलिंग्स बोलते हैं। फाइलिंग क्या बोलते हैं, जब आप ना किसी चीज़ को फाइल, एक फाइल होती है जिससे आप लोहे को घिसते हो, जब आप घिसोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, उनको फाइलिंग बोला जाता है। यदि आपके पास वो है तो इस पर स्प्रिंकल कर दो, स्प्रिंकल कर दो मतलब छिड़क दो। यदि वो नहीं है तो आपके पास सॉल्ट होगा, ठीक है, स्प्रिंकलर, सॉल्ट स्प्रिंकलर मतलब जिससे नमक आप छिड़कते हो, तो उसमें फाइलिंग को भरो और उससे इस फाइलिंग को छिड़क दो, तो आप ऐसे करके पूरे में छिड़क दोगे। पर्पज़ ये है स्प्रिंकल को, स्प्रिंकल करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा देखने में ऐसा नहीं हो एक ही जगह सारा इकट्ठा हो गया, यूनिफॉर्मली आपने फैला दिया, ठीक है, या स्प्रिंकल कर दिया। अब क्या करो, नेक्स्ट थिंग इज नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, ये जो कार्डबोर्ड है इसको हल्का से टैप करो, मतलब उंगली से टक टक मारो। द मोमेंट यू विल डू इट यू विल फाइंड जितने भी आयरन के फाइलिंग्स थी सब ने एक पैटर्न में अरेंज हो गई, कुछ लग रहा है ना डिफरेंट। देखो जब तक हमने टैप नहीं किया था वो कुछ देखने में ऐसा था, जैसे ही आपने इसको टैप किया, बोर्ड को टैप किया, तो सब कुछ एक पर्टिकुलर शेप आ गई। और ये आप बार बार करके देख सकते हो कि बार बार आयरन फाइलिंग को निकाल लो, फिर स्प्रिंकल करो एंड देन फिर टैप करके देखो, एवरी टाइम यू विल फाइंड कि जब स्प्रिंकल करोगे ऐसा था और जैसे ही आपने टैप किया तो ये शेप आ गई। टैप करने से बस क्या फ़र्क पड़ा कि जो आयरन की फाइलिंग थी, जब आप टैप करते हो किसी चीज़ को टक 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 मारते हो, तो फाइलिंग अपनी जगह पे उछलते हैं, और जब वो उछलते हैं तो फिर वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, और एवरी टाइम यू विल फाइंड दिस पैटर्न। इस पैटर्न में कुछ चीज़ दिख रहे हो, कैसा दिख रहा है आपको, आप बोल सकते हो ये कुछ ऐसे करके लाइन्स हैं ना, ध्यान से देखो तो कुछ ये लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई एम ट्राइंग। नीचे भी देखो ये ड्राइंग्स हैं, और बनाओगे तो और बना सकते हो, अब जितनी चाहो बना सकते हो, देखो ये जा रही है, या इस साइड नीचे को लूँ ऐसे जा रही है, इस साइड लूँ तो ऐसे हुआ, इधर लूँ तो ऐसे हुआ, तो लुक कुछ मकड़ी के जाल का जैसा बन रहा है, राइट, समथिंग इज़ देयर। एंड ये जो लाइन्स हैं, ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, वाई डू द आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, जब मैंने टैपिंग की तो ऐसा पैटर्न क्यों बना, इसका क्या कारण है, वट इज़ दैट रीज़न एंड वट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या है ये चीज़। और हर बार हमने देखा, आप जितनी बार भी करोगे एवरी टाइम द सेम पैटर्न विल फॉर्म। तो हमको समझना है कि पहली बात, आयरन फाइलिंग ने ये पैटर्न क्यों लिया और ये पैटर्न का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है। और हम इसका मतलब समझ गए तब हमको ना इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट कंपास नीडल के पास में लाया तो मेरी नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हुई। तो लेट्स मूव अहेड, ये आंसर समझने के लिए कि ये पैटर्न क्या है, इसके लिए ना लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, तो यू हैव टू टेक अगेन अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, मतलब ये वाला कंपास और बार मैग्नेट, हमारा ये वाला कंपास थोड़ा बड़ा है, हमको छोटा सा लेना है। क्यों लेना छोटा, क्योंकि हमारी बार मैग्नेट छोटी विद रेस्पेक्ट टू कंपास, कंपास काफ़ी बड़ा है इसलिए लेना है, अदरवाइज कंपास ये ओके है, बार मैग्नेट आप इस स्क्रीन के बराबर ले लो, उतनी बड़ी होगी तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज कंपास छोटा वाला ले लो, राइट, ओके। अब क्या करना है, प्लेस द मैग्नेट ऑन शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, अगेन हमको एक वाइट बोर्ड लेना है, एक बोर्ड लेना है, उस पर वाइट पेपर चिपकाना है, और क्या करना है, उसमें मैग्नेट को रख देना है सेंटर में, एंड मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है इसकी बाउंड्री पेंसिल से मार्क कर लेनी है। हम इसलिए मार्क कर ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी वजह से ये मैग्नेट हिल गई अपनी पोजीशन से,
तो हमको दोबारा उस मैग्नेट को सेम पोजीशन पर रखना है, तो हम क्या करेंगे उस मार्किंग के ऊपर एग्जैक्टली सेम वे में दोबारा मैग्नेट को रख सकते हैं इजीली, राइट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका हाथ इस मैग्नेट को लग जाए, क्योंकि मैग्नेट तो आपने चिपका ही नहीं, पेपर आपने चिपका दिया, क्लियर। ओके, नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो आपका कंपास है आपको नॉर्थ पोल पर रखना है, साउथ पे नहीं, गलत रख दिया आपने, साउथ नहीं, पुट इट एट नॉर्थ, यहाँ रखो। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इफ़ आई आस्क यू, सो हाउ डज इट बिहेव, कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप देख सकते हो, क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि जो कंपास है उसकी निडल, उसका साउथ इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जो उसका जो नॉर्थ है जब ये इसके है तो ये नेचुरली इस डायरेक्शन में, राइट। नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अभी हमने देखा ही था, एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेट के साथ, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ ऐसे ही होगा। ओके, अब क्या करना है आपको कि मार्क द पोजिशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। ये जो निडल दिख रही है हमारी साउथ नॉर्थ में, एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है, यहाँ पर और यहाँ पे दोनों पर एक डॉट लगा दो, इस साइड भी, जिससे कि आपको हमको मालूम चल गया कि जहाँ यहाँ पे जब मैंने कंपास रखा था तो उसका साउथ इधर था नॉर्थ इधर था। हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साउथ नॉर्थ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है दो पॉइंट्स डायरेक्शन मालूम चल जाएगी हमको, राइट। ओके, अब क्या करो, इसको नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजिशन, ये जो कंपास है उसको थोड़ी नई पोजिशन पर ले जाओ, एंड सेम चीज़ को रिपीट करो। हम थोड़ा ऊपर ले गए, यहाँ रखा कंपास, जब यहाँ रखा तो देखो अब ये डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ हो गई, फिर इसके नॉर्थ और साउथ को फिर डॉट कर लो, और इस तरीके से आप घुमाते जाओ, एंड देन ये डॉट इसका आप डॉट यहाँ पे और यहाँ पे डॉट करो, तो दिस वे यू विल फाइंड कि हम ऐसे कुछ करते जा रहे हैं तो देखो हमारा कंपास क्या होता जा रहा है। अब ये पोजीशन थी जो मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में पूछा था, यदि ये मैग्नेट है मैं यहाँ कंपास रखता हूँ तो क्या हुआ, देखो निडल पैरेलल टू द बार मैग्नेट हो गई है। ओके, फिर मैं थोड़ा सा और ले जाता हूँ और ये स्टेप्स को मैं रिपीट करते करते वापस जब तक यहाँ जाऊँ, तो इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हमारा लास्ट स्टेप है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गए और ऐसे एक पैटर्न मिल गया, राइट। तो आपको देखो एक पैटर्न टाइप की चीज़ मिल गई, और इसको यदि मैं पेंसिल से यदि जोड़ दूँ तो एक हमको एक शेप मिल गई, मिली नहीं मिली। ओके, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम नॉर्थ से चले और ऐसे घूमते हुए वापस किधर आ गए, साउथ डायरेक्शन में आ गए। दैट मीन्स मेरी निडल की डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव की। तो यदि मैं सेलर होता, यदि मैं शिप में चल रहा होता और मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो करनी होती तो मैं क्या करता, निडल की डायरेक्शन को फॉलो करता, तो मैं घूमते घूमते अल्टीमेटली मैं साउथ पोल पर आ जाता, क्योंकि मेरा निडल जो नॉर्थ में फोर्स फॉलो कर रही है वो किसी चीज़ को फॉलो कर रही है, और वो किसको फॉलो कर रही है, इस जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कुछ फील्ड बन रही हैं। हमने क्या देखा था, हमने जब स्प्रिंकल किया था तो कुछ पैटर्न बना था, वो पैटर्न कुछ कुछ ऐसे ही था, या इसको बना के देखते हैं। देखो यदि हम इसको फास्ट चलें तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वो डॉट्स को बनाते जा रहे हैं। अब ऐसे आप हज़ारों करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स करोगे, तो यू विल फाइंड अ सेम पैटर्न, राइट, जो अभी हमने बनाया। देखो लेट सी व्हाट शी इज डूइंग, अब अगली पोजीशन पे रखा, बस पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं। अब ऊपर कर रहे हो नीचे कर रहे हो, क्योंकि हम देखो नीचे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बना रहे हैं, राइट। लुक, सो दिस वे यू हैव डेवलप अ पैटर्न, और यदि मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो इट लुक्स, ये जो मैंने पैटर्न बनाया है वो कैसा बना, वो एग्जैक्टली ऐसा बना। आप यदि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं बनाओगे तो वो ऐसे ही बनेगा जैसे ये नीचे बना रही हैं, बना रही नहीं बना रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम नॉर्थ से चल रहे हैं, एवरी टाइम वी आर रीचिंग साउथ। अब मैं नीचे की तरफ देखो, ये नीचे चल रही हैं, ये जो नीचे चल रही हैं वो भी क्या कर रही है, नॉर्थ से चली तो भी साउथ पहुँच गई। मैं इधर से चलूँ ऐसे घूम के आऊँ तो भी मैं ऐसे आ जाऊँगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन से चलें, यदि आप नॉर्थ से चलते हैं तो एवरी टाइम ये जो पैटर्न आपको निड कंपास कहाँ ले जाएगा, इट विल टेक यू टूवर्ड्स साउथ। एंड इस पैटर्न में ये जो चीज़ दिख रही है इनको लाइंस बोलते हैं, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड फील्ड लाइन, की मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या बता रही है, दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो क्लियर होगी कि ऐसे यदि मैं चल रहा हूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से मैं चलूँगा यदि मैं दूर चलूँगा मैग्नेट से तो मेरे, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, यदि इफ आई आस्क यू, मैग्नीट्यूड मीन्स कितना वैल्यू है उसकी। मैग्नेट के पास यदि आप देखोगे ना मैग्नेट,
मैग्नेट के पास जैसे जैसे पास जाते रहोगे मैग्नेट ना ताकत से खींचती है आपको, मीन्स मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। और ये लाइंस भी क्या बता रही हैं, जितना लाइंस पास में आ रही हैं मीन्स नॉर्थ पोल के पास, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। यदि एक कोई चीज़ आके चिपक गई नॉर्थ पोल पे इस जगह पे तो बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे, ऐसी साउथ में होगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वेयर एज इन बिटवीन कहीं रखोगे तो कम ताकत लगानी होगी, और जितना मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और वही ये फील्ड लाइन्स भी बता रही हैं, जैसे जैसे फील्ड लाइन के बीच में गैप कम हो रहा है तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो कम होती जा रही है। मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ ये लाइन्स पास में हैं उसका मतलब ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहाँ लाइन्स के बीच में गैप ज़्यादा है तो मीन्स यहाँ इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके ऊपर और कम, फिर और दूर जाऊँगा और दूर, जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे में और कम है, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पाँचवें में और कम। दूसरा हमने क्या जाना कि इसकी एक डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ मैग्नेट की ज़्यादा। क्लियर है? सो हम ये चीज़ समझ गए, और इससे हम ये भी समझे कि क्यों मेरी जो कंपास की जो निडल थी वो मार मैग्नेट को फॉलो करती है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किस डायरेक्शन में फॉलो करती है, ऑलवेज इट विल फॉलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया था तो और इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे रख रहे हैं, यदि इस जगह पे कभी भी रखेंगे तो ऑलवेज इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर? वेरी गुड। नाउ इफ दिस इज क्लियर सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने ये देखा था कि हमारे वायर के अंदर जब हमने करंट फ्लो किया तो मेरा कंपास डिफ्लेक्ट हुआ था, इसका मतलब हमने क्या जाना था, कुछ ना कुछ तो है आसपास, क्या है वो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और कंपास तभी मूव करता है जब उससे नियर बाय कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पर। एज अ रिजल्ट कंपास डिफ्लेक्ट होता है, और उसको डिफ्लेक्ट करके ही हमने मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस आइडेंटिफाई की। तो लेट्स सी द सेम थिंग एंड द सेम एक्सपेरिमेंट कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो क्या वो भी सेम टाइप की बनती हैं या डिफरेंट बनती हैं, राइट? और इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है, डू एन एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटी। सो दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर फोर। सो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, एक स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है, टू थ्री सेल्स ऑफ 1.5 वोल्टीज, मीन्स जो आपकी बैटरी में सेल लगे रहते हैं 1.5 के, तीन सेल ले लेना है, एक प्लग की लेना है, एक मतलब स्विच लेना है, एंड कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज। उन तीनों चीज़ों को, वायर को, सेल्स को और स्विच को, तीनों को हमको क्या करना है, सीरीज में अरेंज करना। सो लेट्स अरेंज इट। सो दिस इज द वे वी हैव अरेंज्ड। ये क्या है हमारे सेल्स, तीन सेल हैं देखो, 1 2 3 सेल्स, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने एक वायर के थ्रू स्विच से कनेक्ट कर दिया, एंड देन दिस इज अवर कॉपर वायर, ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का। सो एंड दिस इज अ स्ट्रेट कॉपर वायर। अब स्ट्रेट कॉपर वायर और ये बाकी वायर में क्या डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस इज ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ये भी कॉपर के ही हैं बट इंसुलेटेड है, इनके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है या प्लास्टिक चढ़ी हुई है। वेयर एज दिस स्ट्रेट वन, पहले तो ये स्ट्रेट है और ये जो है क्या है, नेकेड है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, इसलिए आपको क्लियर है कि हम इस कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। अब इस तरीके के सर्किट में यदि आप इस की को यदि ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड इट मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में क्या होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इसको तो बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बोला जाता है। क्लियर? ओके, तो की को हम स्टॉप कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो नाउ सर्किट इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, अब हमको कुछ चीज करनी है। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस अ कंपास नीडल पैरेलल टू द कॉपर वायर फेसिंग नॉर्थ एंड देन प्लग द की। मीन्स ये जो मेरा कॉपर वायर है इसके ऊपर पहले तो एक निडल रखनी है, और ऐसे रखनी है उसको कि मेरा ये जो कॉपर वायर है और जो मेरा कंपास की निडल है वो दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाए।
और कंपास की निडल ऑलवेज कहाँ फेस करती है, उसका नॉर्थ, हमेशा निडल नॉर्थ को करती है, नॉर्थ साउथ फेसिंग होती है। दैट मीन्स मेरी, जब मैंने इसको अलाइन कर दिया कॉपर वायर को, मैंने इस सर्किट को ऐसे किया कि ये स्ट्रेट वायर को इसके पैरेलल अलाइन कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि माय वायर, ये जो वायर है कॉपर वायर, नाउ इट इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन और इट इज़ पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और यदि हम डायरेक्शन बोलें, ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ दिखाऊँ या इसमें देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वही चीज़ है, सेम चीज़। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ये कॉपर वायर पैरेलल है, ये बोला सकता है। अब क्या बोल रहा है हमको, प्लग द की, अब हमको करंट को ऑन करना है। तो जब तक हमने करंट ऑन नहीं किया है, तो हमारी कंपास की निडल किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। अब हम इसकी प्लग को ऑन करते हैं, जब हम ऑन करेंगे तो हमको मालूम ही है करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट एक्टिविटी में, कि जब भी किसी कंडक्टर में वायर फ्लो होता है और उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपास की निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। बट इस केस में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, लेट्स सी। जैसे ही हमने कम किया तो निडल हैज डिफ्लेक्टेड, एंड कैन यू टेल द डायरेक्शन, यस यू कैन, नाउ इट इज़ टू अस ईस्ट डायरेक्शन, यही है ईस्ट, बड़ा में लिखा है देखो ई, यहाँ पे भी लिखा है ई। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने करंट को ऑन किया, जो इनिशियली जो हमारी कंपास की निडल नॉर्थ डायरेक्शन में थी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन के वजह हुआ टूवर्स द ईस्ट साइड, ये है। सो दिस ऑब्जर्वेशन की राइट, सी वी ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साइड। अब करंट मेरा किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट जब फ्लो किया, तो नीडल का डिफ्लेक्शन टूवर्स ईस्ट हुआ, दिस मच वी कैन से। और यदि मैं इसका उल्टा बोलूँ, कि इफ वी रिवर्स द सेल कनेक्शन, यदि मैं सेल के कनेक्शन को उल्टा कर दूँ, तो मेरे करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, राइट कह सकते हैं। एंड लेट्स सी, तो करंट की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी तो हम करते हैं, तो देखो जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, तो ये वापस निडल के आ गए नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई। अब इस सेल को जो पॉजिटिव नेगेटिव, इनको उल्टा कर देते हैं, सो नाउ नेगेटिव इज दिस साइड, पॉजिटिव इज दिस साइड, सो दिस इज अवर सर्किट। अभी भी कंपास, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड या नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए नॉर्थ को फेस कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लग करते हैं। जैसे ही हमने प्लग किया तो करंट फ्लो शुरू हुआ। अब कब करंट क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और साउथ की नॉर्थ में डायरेक्शन है, तो ऑब्जर्व, कैन यू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ निडल, इट इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। पिछली बार करंट हमारा जब क्लॉकवाइज चल रहा था, मीन्स नॉर्थ टू साउथ चल रहा था, तो ईस्ट में था, और इस बार जब एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, मीन्स साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो हमारी निडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया है, एंड दैट इज़ वट इट इज़ रिटर्न हेयर, नाउ इट इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स वेस्ट साइड। तो इसका मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो रिवर्स। भाई ये कंपास की निडल अपोजिट डायरेक्शन में तभी जाएगी ना, कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, और ये हमने परमानेंट मैग्नेट का देखा था कि जिधर मैग्नेट जाती है उधर ही की डायरेक्शन में ये फॉलो करता है निडल। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, ऑलवेज द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज फॉलोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। एक बार ईस्ट है तो मीन्स करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी। अभी सेम पोजीशन पर रखा हुआ, पर नाउ द डायरेक्शन इज डिफरेंट, इट इन मीन्स सिंपल ये हो गया कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन द निडल इज एंटायरली ऑपोजिट, ईस्ट से वेस्ट हो गए। इससे हमको ये समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है चेंज होगी, दैट मीन्स जो भी मैग्नेट बन रही है उसके नॉर्थ साउथ पोल ऑपोजिट हो गए, ये बोल सकते हैं। ओके, इसी को समझने के लिए ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर, एक और एक्टिविटी करते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि जब एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुई है, हमें मालूम चल गया कंपास से, और ये भी मालूम चल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जब चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, पर वो देखने में कैसी लगती है, उसके लिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी नंबर 5। सो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ बैटरी, 12 वोल्ट की एक बैटरी लेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, रियोस्टेट भी बोलते हैं, एक एमीटर लेंगे करंट मेजर करने के लिए, एक स्विच लेंगे जिसको हम प्लग की बोलते हैं, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें लेंगे, ठीक है, और इनको हम सबको सीरीज में अरेंज कर देते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें ली, एक बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, एक एमीटर कितना करंट मेजर करने के लिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये काले वाले वायर, एक स्विच और एक कॉपर का स्ट्रेट वायर।
आप इसमें डायरेक्शन या ऑफ करंट देखेंगे तो इट इज़ मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि इसमें देखें एक्स टू वाई इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। मीन्स ये जो मेरा कॉपर वायर है इसको आपको एक बोर्ड लेना है कार्डबोर्ड, उसके बिल्कुल सेंटर में छेद करना है, उसमें से इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाईपास मतलब पास कर देना है। तो मतलब आपने एक को बोर्ड में से ये तार को सीधा निकाल दिया, यहाँ पे मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और यदि इस कंडक्टर में जो हमारा कॉपर वायर है स्ट्रेट कॉपर वायर इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसकी फील्ड लाइंस देखने में कैसी बनती हैं, यही हम देखना चाहते हैं। तो फिर क्या करना है नेक्स्ट, वी हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स, जैसे हमने परमानेंट मैग्नेटिक केस में फील्ड लाइंस के लिए किया था, एग्जैक्टली इसी पे कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं साइड से धीरे से टैप करते हैं। द मोमेंट यू विल टैप यू विल फाइंड कि सारा जो जो आपने आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल की वो ऐसे गोल 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 से सर्कल बनाएंगे, इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली यदि मैं आपको एक्चुअल फोटो दिखाऊं तो ये कॉपर का वायर हो गया, ये कार्डबोर्ड है जिसपे आपने आयरन फिलिंग्स डाली हुई हैं, और आप देखेंगे आयरन फिलिंग्स ऐसे ऐसे गोल गोल से आपको दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जब सब सर्कल का जिनका सेंटर सेम हो, ये सेंटर हो गया होल, ये देखो पहला सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या ऊपर में बनाऊँ तो हम इस टाइप के सर्कल्स आपको दिखेंगे। तो मीन्स इस टाइप का आपको पैटर्न किस में दिखेगा, आयरन फिलिंग्स जब हमने इस पर डाली और हल्का सा टैप किया, टक 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 दो बार इसको हिलाया, फाइलिंग्स उछली और उन्होंने अपने को अरेंज कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। ये पहला काम हो गया, ओके। नाउ वुड यू फाइंड दैट द आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्फ शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर, यू विल से यस, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिला। व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस पर क्या करो कंपास रखो, कंपास जैसे ही इस पर रखोगे वो अलाइन हो जाएगा। एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होती है कि नॉर्थ से चली साउथ डायरेक्शन में, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपास की निडल अलाइन हो जाएगी। अब कहीं रख लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, और आपको इससे क्या मालूम चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गई। जैसे ही कंपास रखा दैट मीन्स करंट यदि मेरा टॉप टू बॉटम जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और इसको एक दूसरा तरीका क्या होता है कि बार बार ऐसे आप किसी भी कॉपर वायर में यदि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम है, कैसे मालूम है, वो तो आपको बैटरी के टर्मिनल्स को देख के पता लग सकते हो कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर बार कंपास थोड़ी लाओगे, तो कैसे पता लगाते हैं, इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या मीन्स, अपना सीधा हाथ लो और आपका अंगूठा जो है, यदि जो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, जैसे अभी इसमें करंट किसका है टॉप टू बॉटम, तो मीन्स ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, आप ऐसे पकड़े हो जैसे कि आपने अपनी उंगलियों से वायर को पकड़ लिया हो, या आपने सारी उंगलियों से वायर को पकड़ लिया, और आपकी थंब की डायरेक्शन क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उस केस में जो आपकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना, आप एक पेन लो अपने, आपके पास पेन या पेंसिल है ही अभी, उस पेन एंड पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ो और ऐसे पकड़ो कि सारी उंगलियों ने आपको पेंसिल को पकड़ा हुआ है या पेन को पकड़ा हुआ है, एंड योर थंब इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप यदि उसको ऊपर रखे होगे थंब को तो करंट की डायरेक्शन है टॉप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप थम्स डाउन कर दोगे, थम्स डाउन मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज बॉटम, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एग्जैक्टली ऐसी दिखेंगी जैसा ये दिख रही है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जब थम डाउन किया तो मीन्स करंट की डायरेक्शन बॉटम है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक डायरेक्शन है। यदि मैं थम्स अप कर दूंगा मीन्स करंट की डायरेक्शन यदि मैं ऊपर कर दूँ, मीन्स बैटरी की डायरेक्शन टर्मिनल्स उल्टे लगा दूँ, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या चेंज होगी। लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट, द मोमेंट यू विल डू यू विल फाइंड यस डेफिनेटली इट हैज़ चेंज, ऑपोजिट हो गई है, और वो राइट हैंड थंब रूल से आपको कन्फर्म भी हो रहा है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है,
ये इसको बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि आपने देखो शैम्पेन के ऊपर, शैम्पेन की जो बोतल होती है उसमें कॉर्क लगा रहता है, ऊपर ढक्कन लगा रहता है कॉर्क, और उसमें वो लोग क्या करते हैं ऐसा स्क्रू घुसाते हैं, और उसको फिर वो यदि टाइट करोगे स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज घुसाओगे तो वो क्या जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू क्या होगा, वो अंदर चलता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, मीन्स टाइट होता जाएगा। आज की डेट में कॉर्क या किसी वुडन मटेरियल के ऊपर भी यदि आप किसी को टाइट करते हो, स्क्रू को यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे स्क्रू ड्राइवर से, तो स्क्रू का वो टाइट होगा, नीचे जाएगा, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यदि सेम स्क्रू को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू ड्राइवर से, तो आप देखोगे स्क्रू खुल जाएगा, दैट मीन्स जो खुलने की जो डायरेक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, दोनों का जो आउटकम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। जो घुमाने वाली डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू अप या डाउन जा रहा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। यदि ये क्लियर है सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल नंबर वन, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। कहने का मतलब एक वायर है जो कि हॉरिजॉन्टल है, मीन्स पैरेलल टू द अर्थ है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दी हुई है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम कैसे पता लगते हैं, बाई यूज ऑफ कंपास वी नो कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। करंट कैसे डायरेक्शन निकल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, मीन्स इस डायरेक्शन में, ये जो एरो की डायरेक्शन दिखाई है। तो ये हमारा वायर हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है। अब हमको पता क्या लगाना है, मैग्नेट फील्ड इस तार के नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इस तार के ऊपर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व इट दिस वे। एज वी नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है, ये दी हुई है। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली एट अ पॉइंट बिलो एंड अबाउ द वायर। दैट इज यदि मैं अपना राइट हैंड थंब यूज़ करूँ, अपने फिंगर्स से मैं इस वायर को पकड़ूँ, इस तरीके से अपने हाथ को रखूँ राइट हैंड थंब को, कि मेरा ये जो थंब है वो किस डायरेक्शन में हो, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में। तो मेरा ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जो है मेरी जो बता रही हैं जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही हैं वो क्या बता रहा है, इट इज़ शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ तो मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गई कि करंट मेरा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है और करंट की मेरी डायरेक्शन ऐसे है। और ऐसे है, ऐसे है का मतलब क्या हुआ, कुछ डायरेक्शन में बोलना चाहिए ना। जैसे मैं वायर के केस में बोल रहा हूँ कि वायर में करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बट इसमें मैं बोल रहा हूँ ऐसे डायरेक्शन, पर ऐसे और वैसे कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आई हैव टू टेल कि वेदर इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होती है क्लॉकवाइज, मीन्स यदि मैं किसी एक क्लॉक को देखूँ तो उसकी जो आर्म्स होती हैं वो 1, 2, 3, 4 से ऐसे लेके 12 तक मूव करती हैं। इफ़ एनीथिंग रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, यदि आप सामने से देख रहे हैं, जैसे मैं अभी स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो ये 1 से लेके यदि कोई भी आर्म ऐसे मूव करेगी तो आई विल से इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ रोटेटिंग। और यदि कोई चीज़ अपोजिट होगी, फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वी विल से इट इज़ अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेन यू आर व्यूइंग फ्रॉम, कहाँ से देख रहे हो, मैं स्क्रीन के पास, मीन्स मैं अभी स्क्रीन को देख रहा हूँ, फेस ये मेरे सामने रखी हुई है। एग्जैक्टली सेम वे में ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। Either it could be I can define it clockwise or I can define it is in the direction of magnetic field is in anti-clockwise direction. ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ। When viewing from the east, जब मैं यदि east direction में यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि current east से वेस्ट जा रहा था, तो this is east direction। यदि आप यहाँ खड़े हैं या मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ खड़े होके इसको देख रहा हूँ, इस direction में किसी चीज़ को rotate होते हुए देख रहा हूँ, तो आप क्या देख सकते हैं कि यदि ये पॉइंट थ्री है, फिर ये 2 होगा, 1 होगा, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, बट मैं यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, हम सामने से नहीं देख रहे हैं, मैं ईस्ट से देख रहा हूँ। जब मैं ईस्ट से देखूँगा तो आई विल से द मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, वेयर एज
व्हेन आई व्यू इट फ्रॉम द वेस्ट, मैं यहाँ की जगह यदि यहाँ खड़ा हो जाऊँ, इस जगह खड़ा हो जाऊँ, और अब मैं देख रहा हूँ, और अब कब देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी इस स्क्रीन को या आप पढ़ रहे हो तो आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो जहाँ आपको हाथ का ये हिस्सा दिख रहा है। तो नाउ यू कैन से इट इज़ इन विच डायरेक्शन, 3, 2, 1 ऐसे करके चल रहा है, दैट इज मीन्स इट इज़ इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो यू विल राइट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन प्लेन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन यू आर व्यूइंग फ्रॉम द वेस्ट साइड। तो किसी भी चीज़ को किस तरफ से आप देख रहे हो तो सेम चीज़ रोटेट होते हुए आप, कोई बंदा बोलेगा उसको क्लॉक वाइज, कोई बोलेगा उसको एंटी क्लॉक वाइज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ से उसको देख रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है बताते समय, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड बॉटम या टॉप पे पता लगा ली, डायरेक्शन मालूम चल गई। नाउ वी हैव कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से क्या होता है, पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा वो समझ लें। हमने समझा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर यदि स्ट्रेट वायर में से करंट जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में होता है और जो फिंगर्स होती हैं जो वायर को पकड़ती हैं जिस डायरेक्शन में उसको पकड़ रही हैं, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर रिंग बन रही है, एक्चुअली इट इज़ थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वायर के। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, जैसे जैसे वायर के पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके नाउ अब हम बात क्या कर रहे हैं, सर्कुलर लूप कि यदि मैं इस स्ट्रेट वायर को ऐसे एक लूप बना दूँ, ऐसे करके लूप बन गया रिंग टाइप का, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर लूप्स, जो सर्कल फॉर्म में है। और इसमें यदि मैं करंट पास करूँ कि मान लो इस डायरेक्शन से करंट करूँ पास और वो घूम के इधर से बाहर आएगा, दैट मीन्स इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे ऐसी गोल गोल, तो देखने में कैसी लगेंगी, वो देखने में कुछ ऐसी लगेंगी। दैट मीन्स मेरा ये करंट जा रहा है इसमें, और हम कौन सा यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल मैं यूज़ कर सकता हूँ, और राइट हैंड थंब रूल से मैं पता लगा सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे ऐसे कैसे घूम रही है। सो आपको क्या मालूम चला है, इससे ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और दूसरी तरफ से निकल रही है, क्योंकि बहुत सारी रिंग बनी है, छोटी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, ऐसे है ना, यही तो होगा, एग्जैक्टली नीचे से बोल सकता हूँ, और ऐसा चारों तरफ हो रहा होगा इसके, ठीक है। ओके यदि मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली लेटा के देखूँ, सेम लूप को यदि मैं हॉरिजॉन्टली लेटा दूँ, तो यू कैन सी द करंट इसमें से ऐसे आया, ऐसे घूम के यूँ चला गया, और जब ये करंट मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। और आपकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आप राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करो इस पॉइंट पर, तो आपको ऐसे लूप्स बनेंगे, एंड इस लूप को आप पहला सबसे स्ट्रांग मैग्नेट फील्ड, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके बन रहा है। एग्जैक्टली सेम वे में राइट हैंड में देखो करंट अब क्या जा रहा है, ऐसे घूम के इधर जा रहा है, राइट हैंड रूल लगाओगे, थंब लगाओगे तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, यही होगी। दैट मीन्स इस साइड लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से हुई, दैट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज, वेयर एज दिस साइड इट सीम्स इट लुक्स इन द क्लॉक वाइज। और यदि मैं बहुत सारी ऐसी कॉइल ले लूँ, मतलब एक कॉइल की जगह ऐसा लूप बना लूँ स्प्रिंग टाइप का, मीन्स मेरा करंट यहाँ से मूव करके ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो कहने का मतलब जो है उसमें से क्या होगा, हर रिंग में से ऐसे निकल रही होंगी, दैट मीन्स इसमें से बहुत सारी निकल रही होंगी। एक तरफ से मैंने यदि करंट एंटर किया, सो द एन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हर वायर में बन रही हैं, दैट मीन्स जो मेरे सेंटर में है वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जो बीच में चल रही होगी, इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं, दैट मीन्स इतनी सारी स्ट्रेंथ है, मे बी इस पास वाले की ज़्यादा है, बीच वाले की कम है, बट मैं इस सबको जोड़ लूँगा तो टोटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी हाई। और इसको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पे पैरेलल में कंपास रखता हूँ तो मैं देखूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो बिल्कुल इसके सेंटर से सारी की सारी पास हो रही है, मीन्स राइट फ्रॉम द इस सर्कमफेरेंस से इस सर्कमफेरेंस, इनसाइड सर्कमफेरेंस से इनसाइड सर्कमफेरेंस तक हैं, पर मैक्सिमम जो क्योंकि इतनी सारी कॉइल होंगी तो वो यहाँ से बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, तो सारी की सारी स्ट्रेट हो गई, राइट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी वेरी हाई, क्योंकि हर लूप का एडिशन होता जा रहा है इसमें।
सो देयर फोर इफ अ सर्कुलर कॉयल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स द फील्ड इज एन टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न. सिंगल टर्न ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस की, जब मेरी नंबर ऑफ कॉयल्स बढ़ती जाती हैं तो जो सेंटर से जो लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स जाती हैं वो सब ऐड होती जाती हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ वन कॉयल से जो मैग्नेट बनी और जो एन नंबर ऑफ कॉयल से जो मैग्नेट बनी, स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, उतने टाइम्स ज़्यादा होगी. तो अभी तक मैंने जो आपको समझाया कि लूप के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो ऐसे होंगे, और नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे तो सेंटर में ये सारी लूप्स इसी फॉर्म में बन रहे होंगे और उनकी स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा लूप उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. बट इसको हम प्रैक्टिकली जब तक देखेंगे नहीं तब तक हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. साइंस यही बोलती है कि यू डू एन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एंड देन एक्सेप्ट इट यदि सेम रिजल्ट आते हैं. सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर 6. इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसके अंदर यू आर हैविंग 2 होल्स. कार्डबोर्ड ले लिया, 2 होल्स हैं और जो हमने कॉइल बनाई थी, इंसर्ट द कॉइल सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम एंड विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड. दैट मीन्स हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ए और बी पर हमने होल किए और इसमें खूब सारा कॉइल बना दी और इस कॉइल को क्या किया, एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन द सीरीज विद अ बैटरी अ की अ रियोस्टेट एज शोन इन द फिगर. जैसा फिगर में दिया ऐसे करके कनेक्ट कर दिया. ये जो सारे वायर हैं जो हमने कॉइल बनाई है, तो ये जो वायर्स हैं वो इंसुलेटेड हैं. दैट मीन्स यदि मैं जब कॉइल बनाऊँगा तो ये वायर टू वायर टच होंगे, एक दूसरे से टच होंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि एक वायर से दूसरे वायर में करंट जाए. तो हमने इनमें क्या किया, वायर्स के ऊपर हल्का सा एक इंसुलेशन की, एक इंसुलेशन नॉर्मली वार्निश कर देते हैं, राइट, या उसमें आपके पास जो इंसुलेटेड वायर होते हैं घर में कॉपर के, जिन पर रबड़ या प्लास्टिक चढ़ी जाती है, वो वायर ले लो. तो आपने उसका ऐसे कॉइल बना दिया और उसको बैटरी से की के थ्रू कनेक्ट कर दिया. अभी तक आपने करंट पास नहीं किया. अब करंट पास करने से पहले आपको क्या करना है कि इस पर थोड़ा सा आयरन के जो फाइलिंग्स हैं उसको स्प्रिंकल करना है, मीन्स छिड़क दो. तो जैसे हम हर बार करते हैं, लेट्स डू दैट. एंड करने के बाद प्लग द की को हमको प्लग करना है एंड टैप द कार्डबोर्ड जेंटली फ्यू टाइम्स. इस कार्डबोर्ड को टक 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 2-3 बार मारना है. मारने से क्या होगा, फाइलिंग्स हिलेंगी तो क्या होगा, वो अलाइंड हो जाएंगी. किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस. जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है उसमें अलाइंड हो जाएंगी. सो लेट्स सी क्या हुआ. लोग जैसे हमें अरेंज किया, करंट फ्लो हुआ और हमने देखा हमको एक पैटर्न मिला. एंड दिस पैटर्न इज द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन्स का पैटर्न है ये, और ये वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया. सो वट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड इज नाउ वेरीफाइड. एंड वैन इट इज़ वेरीफाइड दैट मीन्स वट एवर आई टोल्ड यू और एक्सप्लेन यू इट वॉज ट्रू. सही था वो कि जब भी किसी कॉइल में करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. वायर में बनती है तो कॉइल में भी बन रही है. और उसमें शेप डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, देखो बी में देखो ऐसे है और इधर देखो ऐसे है, पर दोनों केस का जब ज्वाइन कर देते हो तो इधर से बाहर आ रही है, लेफ्ट से एंटर होके राइट में सेंटर कॉइल के बाहर जा रही है, राइट. और ये जो प्रिंसिपल हो रहा है कि जब हमने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ानी तो हमने क्या किया था, एक चीज़ और जानी थी, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक कॉइल इंक्रीजेस. एक कॉइल की, एक लूप की जितनी स्ट्रेंथ है और 10 लूप की स्ट्रेंथ 10 टाइम्स होगी. और इस प्रिंसिपल को बहुत सी जगह पे यूज़ किया जाता है एंड उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट्स अ सोलेनाइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनाइड. अब ये सोलेनाइड क्या होती है, अ सोलेनाइड क्या होती है, कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनाइड. थोड़ा देख लें फोटो से जब क्लियर होगा. ऐसे आपने कॉपर को वायर को लिया और उस कॉपर वायर को, या ऐसा हो ये कॉपर वायर में क्या होता है, वार्निश होती है, आप वो इंसुलेटेड है, मीन्स करंट पास नहीं होगा. या आप ऐसे वाला ले लो कलर्ड वाला और उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, आप खूब सारे इसमें किए हुए हैं और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. तो आपने वायर्स को सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दिया, एन नंबर ऑफ वायर लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइड. क्लियर, वेरी गुड. या इसको और अच्छे से देखना चाहो, जब बहुत ज़्यादा वायर्स लेते हैं फाइन, तो ये इंसुलेटेड हैं, कॉपर वायर हैं जिनको वार्निश से पास किया गया और ये एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टर्न है. यहाँ से स्टार्ट किए, इधर इधर खूब सारे टर्न्स आ गए, ठीक है.
इसमें एक तरफ से करंट एंटर करेगा और घूम के आएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ द एंट्री और एग्जिट, कोई सी तरफ से एंट्री करो या एग्जिट करो। तो ये दो टर्मिनल्स हो गए किसके, सोलेनॉइड के। सो एग्जैक्टली सोलेनॉइड देखने में कैसी लगती है, ऐसी लगती है। अब सेम कॉइल को यदि मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूँ तो हाउ इट लुक्स, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ अवर कॉइल और सोलेनॉइड, हमने उसके इस ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं एक टर्मिनल को बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एंड उसमें क्या होगा, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होगा। करंट किस डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से चलेगा, ऐसे घूम घूम के अल्टीमेटली इट कम बैक टू द बैटरी थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और किसी कॉइल में यदि करंट मूव कर रहा है तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यस, यू हैव लर्नड इट, कौन से रूल से, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, जहाँ पे थंब आपका किस डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं इसका कोई एक लूप ले लूँ कॉइल का, तो दिस इज़ द वन लूप, ये ऐसे जा रहा है जैसे घूम के पीछे से घूम के आगे आ रहा है, तो ऐसे घूम के गया डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जहाँ मेरी फिंगर्स कर्ल हुई तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इनसाइड से जाएंगी। और इसी कॉइल को यदि मैं इस कॉइल का क्रॉस सेक्शन निकालूँ, मीन्स का क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि ये जो कॉइल है मैं इसको ऐसे कट कर दूँ अलॉन्ग द लेंथ, तो इसको मैं कट करूँ या मैं इसको कट करूँ तो देखने में कैसी लगेगी, वो मज़े एग्जैक्टली ऐसी लगेगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से घुस के इधर राइट में, राइट से एंटर की लेफ्ट से बाहर निकल रही है, क्योंकि बहुत सारी कॉइल हैं तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी। और जब ऐसी निकलती हैं, जिधर से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जहाँ से एंटर होती हैं दैट इज़ साउथ पोल। तो और ये क्या, देखो आप यदि इसको बनाते हो किससे, कंपास लेके यदि बनाओगे तो यू विल फाइंड एग्जैक्टली दिस शेप। और यही शेप हमने कहाँ देखी थी, परमानेंट मैग्नेट में। परमानेंट मैग्नेट में हमने मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनाई थी कंपास के थ्रू, या हमने क्या किया था, आयरन फाइलिंग्स डाली और उसको टैप किया, जैसे ही हमने टैप किया कार्ड के ऊपर तो इस टाइप की शेप हमारा पैटर्न आ गया था। और ये पैटर्न इस कॉइल में देखो या परमानेंट मैग्नेट में देखो इज़ एग्जैक्टली सेम, दैट मीन्स द सोलेनॉइड वॉल इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये तो परमानेंट मैग्नेट है, और इसको क्या बोलेंगे, इस मैग्नेट को, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें ध्यान से देखो कि यदि क्रॉस सेक्शन में यहाँ डॉट डॉट है या क्रॉस क्रॉस है। क्रॉस मतलब होता है कि आप ये जो एरो है या जो तीर कमान का एरो होता है ना, बो एंड एरो, तो जो एरो होता है एरो के यदि बैक से देखोगे तो ये आपको क्रॉस दिखेगा, और एरो का टिप देखोगे, फ्रंट देखोगे तो ऐसा डॉट दिखेगा। तो दिस मीन्स इज द टिप, मीन्स एरो इस स्क्रीन के बैक से आ रहा है, तो मीन्स आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, तो आपको ये डॉट दिख रहा है। और ये क्रॉस मीन्स आपकी आंखों से ये स्क्रीन जो है, हमारा जो स्क्रीन है इसमें एरो अंदर एंटर कर जा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ही घुस जा रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज वेयर द एरो इज एंटरिंग, फ्रॉम हेयर द एरो इज कमिंग आउट। एरो बेसिकली इस केस में हम क्यों दिखा रहे हैं, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट यहाँ से निकला, ऊपर गया, फिर पीछे से घूम के आया, इसमें आया, फिर इधर गया, फिर घूम के आया, फिर ऊपर गया। तो दिस वे द करंट इज मूविंग, एंड एज अ रिजल्ट सो मैनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या हुआ, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप यदि अपने घर में बनाना चाहो या स्कूल में बनाना चाहो, बहुत ईजिली बना सकते हो। क्या करो, ये जो वायर है, पतला सा वायर जिसपे इंसुलेटेड वायर है, ये वाला वायर ले लो और इसको एक नेल लो, नेल मीन्स कील, और उस कील पर इस वायर को ऐसे लिपेट दो। एक टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करो, बीच में एक स्विच लाना, तो देखो ये स्विच भी इन्होंने कितना सिंपल तरीके से बना दिया। एक थंब पिन ले, और ये आपके पास होता है क्लिप, उस क्लिप को लगाया, जैसे ही इस क्लिप को टच करोगे तो मैग्नेट करंट सर्किट कंप्लीट होगा। और बहुत सारी ऑल पिन्स ले लो, तो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे तो ये क्या बनेगी, मैग्नेट बन जाएगी। और इस फील्ड के अंदर हमने क्या था, आयरन डाला। आयरन जो है सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल इन सेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, मीन्स वो मैग्नेट को उसको अट्रैक्ट करती है। तो आयरन में से मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, तो मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बन गया, वन कॉर्नर ऑफ द मैग्नेट, आइदर नॉर्थ और साउथ। और जैसे ही आए करंट पास हुआ, ये मैग्नेट बनी, जो नेल है इनसाइड में, ये सॉफ्टर मटेरियल है, ये हमारा क्या बना, मैग्नेटाइज हुआ। जैसे ये मैग्नेटाइज हुआ तो इसने क्या किया, सारी पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेट सो फॉर्म बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। और क्योंकि वह कॉइल फॉर्म में है एंड दैट कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड, तो आपने एक सोलेनॉइड बना दी। इसके नाम इंडस्ट्री के अंदर जो आप जाएंगे तो यू विल लर्न मैनी मैनी एग्जाम्पल्स वेयर दिस प्रिंसिपल इज यूज, पर आप इस तरीके से अपने स्कूल में बना सकते हैं। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, आपने एक मैग्नेट देखी होगी,
इस टाइप की मैग्नेट रहती है, हॉर्स शू मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इस वाले को बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। मीन सेम मैग्नेट ली, मान लो ये लंबी होती तो आपने क्या किया, साउथ को पकड़ा और ऐसे करके बैंड कर दिया नॉर्थ में, तो आपको एक हॉर्स शू फॉर्म में आ गई जिसमें एक कॉर्नर नॉर्थ है एक साउथ है। और यदि मैं आपको बोलूँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाओ तो क्या होगा, आपको अगर बार बार एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है नॉर्थ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी साउथ में एंटर करेगी। लेट्स मेक इट, तो देखो नॉर्थ से चारों तरफ निकल रही है, जो पास में साउथ है सीधे यहीं चली गई, जो दूर से गई वो घूम के इसमें आ रही हैं, जो इधर से आ रही है वो ऐसे घूम के आ रही हैं। सो दिस वे ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स यू कैन ड्रॉ। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर अ बार हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। सो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या जाने, अभी तक हम ये सीखे कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर में यदि करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। यदि वो वायर लूप फॉर्म में है, सिंगल लूप या मल्टीपल लूप में है, तो उनका नाम या तो लूप बोलते हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ लूप होते हैं तो उसको सोनेट बोलते हैं। बट इन बोथ द केसेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके अंदर पहले से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब ये मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी और ये जो परमानेंट मैग्नेट है राइट में जो मैग्नेट है, यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लाऊंगा तो क्या होगा, दोनों कैसे बिहेव करेंगे, बोथ वर्क लाइक ए मैग्नेट। दैट मीन्स ये वाली मेरी परमानेंट मैग्नेट जो राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी है वो एक दूसरे को धक्का मारेंगी। दैट मीन्स दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड लेट्स सी वेदर इट एक्चुअली हैपन्स और नॉट। सो हम क्या समझना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या उस पर मैग्नेट फील्ड की परमानेंट जो मैग्नेट है उसकी वजह से कुछ फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। और अभी तक हम क्या जाने, वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी वायर में यदि करंट मूव करता है किसी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, राइट। दूसरा हमने इसको कैसे जाना था, एक चीज़ ये भी जानी थी, द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। यदि इस कंडक्टर के पास में मैं कंपास लाता हूँ तो उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स कंपास में ये पहले से ही मैग्नेट है, तो मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो फील्ड बनी वो कंपास के निडल को इम्पैक्ट कर रही है। दूसरे टर्म में बोला जाए कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर, ये जो हैं राइट में, इन्होंने सजेस्ट किया था कि द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे न्यूटन्स की थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि यदि किसी कंडक्टर की वजह से उसमें करंट जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से किसी परमानेंट मैग्नेट, जैसे इस केस में कंपास का जो कंपास की निडल है वो भी एक मैग्नेट है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उतना ही ऑपोजिट फोर्स, जितनी ताकत से इसने इसको डिफ्लेक्ट किया उतनी ही ताकत से वो इसको भी धक्का मार रही होगी, किसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को। क्या ऐसा होता है, द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डोमेस्टिक थ्रू एन एक्टिविटी। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की, ये प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनी, और वैसे भी आपने फिजिकली तो देखा ही है, यही तो हम बात कर रहे थे कि दो मैग्नेट ले लो, एक मैग्नेट को पकड़ लो और एक मैग्नेट को फ्री रखो, जिस मैग्नेट को आप हाथ से मूव कराओगे तो पहली वाली मैग्नेट क्या होगी, दूर भागेगी या पास आएगी। यदि सेम आप फेसेस नॉर्थ टू नॉर्थ रखोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगी, दूर भागती जाएगी, उस पर फोर्स लगेगा। और यदि पहली वाली को आप जो है वापस उसको रख दो फ्लोर के ऊपर और दूसरी वाली को आप अपने हाथ में पकड़ लो, अब दूसरे से करो, दैट मीन्स इन बोथ द केसेस दे फॉलो द सेम रूल, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ एंड्री मैरे एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने डोमेस्टेट किया, एंड वो डोमेस्टेट करने के लिए वो एक्टिविटी हम भी करते हैं, एंड लेट्स डू दैट एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 7। सो इसमें करना क्या है, सो वी हैव टू टेक अ स्मॉल अल्यूमिनियम रॉड, एक अल्यूमिनियम मटेरियल की या अल्यूमिनियम जो एक मेटल है उसकी एक रॉड लेनी है। कितनी लंबी लेनी है, अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन लेंथ, यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड। कैसे करना है, तो इस टाइप से कर देना, एक स्टैंड लो, उस पर ए बी जो अल्यूमिनियम की रॉड है जो करीब 5 सेंटीमीटर लंबी है, और उसको ना ऐसे करके एक तार से उसको टांग दो,
ये तार कैसा है, कंडक्टिंग वायर है बेसिकली। तो ये एक वायर है, मीन्स सपोज ये कॉपर का वायर है, उसको आपने इस पर भी थोड़ा सा लपेटा और यहाँ पे इस पे बांधा और फिर यहाँ से लेके इसमें मान लो कुछ पकड़ने का जुगाड़ है, ठीक है, अदरवाइज इसमें भी एक दो टान ले लो जिससे कि यहाँ पे ये गिरे नहीं बार, ठीक। और उसको दूसरे लूप को ऐसे बैटरी के साथ ला के कनेक्ट कर दो और यहाँ पे की एक स्विच लगा दो, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इस टाइप का यदि आप अरेंजमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ना इसके एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मीन इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब मैं इसके पैरेलल आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, यदि मैं इसको ऐसे पैरेलल बना दूंगा तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ या इन्होंने एम्पियर ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट फिर समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए ना मैंने थोड़ा इंक्लाइन बना के जानबूझ के आपको दिखाया है, पर एक्चुअल में ये इसका है, इस स्टैंड के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक, ओके। अब जैसे हमने इसको करंट कनेक्ट करेंगे की को, तो क्या होगा, करंट पास होगा, करंट किस डायरेक्शन में, द पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे घूमता हुआ जाएगा, इस वायर में घूम के फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आप देखेंगे ना बहुत सारे जितनी भी हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन मीन्स आपके घर के बाहर जो भी पोल लगे हैं उनमें जो वायर लगे रहते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं जिनके ऊपर ना मतलब बहुत ही ऊँचे पोल होते हैं, तो उनमें अगर आप देखोगे आप नीचे से उतनी दिख पाओगे, पर इंटरनेट पे यू कैन सर्च एंड यू विल फाइंड कि वो वायर भी किससे बनते हैं, एल्युमिनियम से बनते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, दोनों वैसे ही हैं बट कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है, चोरी हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम के बनाते हैं हम लोग, राइट, ओके। नाउ पॉइंट वॉज कि हम क्या बात कर रहे थे कि इस कंडक्टर से करंट जाएगा और वायर से एल्युमिनियम यहाँ क्योंकि बंधा हुआ है, यहाँ से करंट इसमें ऐसे ट्रेवल करेगा फिर ऐसे घूम के चला जाएगा, राइट, क्योंकि ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम इज़ अ कंडक्टर और ये सब वायर्स सब मान के चलो इंसुलेटेड है, तो हर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं ए बी कंडक्टर जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, वेरी गुड। सो टाइमिंग के लिए हमने क्या करते हैं कि उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ किया तो करंट ऑफ। अब सेकेंड काम करना है हमको, क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टिंग टूअर्स अपवर्ड, दैट मीन्स साउथ पोल अबाव ए बी। ये जो ए बी है एक हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट मालूम है ना, इस टाइप का एक होता है मैग्नेट, ये अभी हमें जाना ही था, तो हॉर्सशू मैग्नेट को लाए और उसमें क्या रखना है हमको, इस तरीके से रखना है कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड है फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो। अब अपवर्ड कैसे होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी तो ऐसी होगी, नॉर्थ से निकली ऐसे सीधी जा रही है, कुछ ऐसे घूम के यहाँ जा रही हैं, कुछ ऐसे घूम के जा रही हैं। यदि परमानेंट मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ परमानेंट मैग्नेट विच इज़ इन हॉर्स शू शेप, राइट। हॉर्स शू शेप के बोलते हैं कि जो घोड़ा होता है उसके जो शू होता है आप देखेंगे नीचे खुर में ऐसे करके ना मेटल का एक पीस लगाया जाता है जिससे कि उसके पैर घिसे नहीं यदि वो पक्के पे चलता है, तो इसी को हॉर्स शू बोलते हैं। जैसे हमारे शू होते हैं ऐसे घोड़े के भी शू, उसकी ये शेप होती है सी टाइप की। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बनती है, नॉर्थ से साउथ ऐसे वर्टिकल ऊपर जा रही है, तो आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रख दी जिसके बीच में ये हैंग कर रहा है, क्या, एल्युमिनियम की रॉड, क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन सीरीज विद द बैटरी एंड द रियोस्टेट। अब हमने जो हमने सर्किट ये पहले ही बना ही लिया था तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको बैटरी के साथ इसको इस टाइप से कनेक्ट करना है जैसा शोन किया हुआ है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ पास द करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए। अब इसमें हमने की को ऑन किया, अब करंट कैसे जाएगा, बी टू ए ऐसे ही जाएगा एग्जैक्टली सेम वे में जो अभी हमने देखा था, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव करता है। अब देखो, अब इसके अंदर थोड़ी देर पहले तक देर वॉज नो करंट, तो एल्युमिनियम जो है इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। एल्युमिनियम के यदि पास लाओ, आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, वेसल्स होंगे, आप उसमें ना मैग्नेट लेके चुपकाने की कोशिश करो, यू विल फाइंड कि एल्युमिनियम जो है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नेट से, वो मैग्नेट से चुपकेगा ही नहीं। वेयर एज सेम मैग्नेट को आयरन के पास लाओगे तो वो इमीडिएटली चुपक जाएगा, राइट। तो फेरस आयरन जो होता है, इसलिए कभी बहुत बार होता है ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन चेक करते हैं तो हम क्या ले जाते हैं, मैग्नेट, या शॉप में वो आपको मैग्नेट देता है, शॉपकीपर आपकी मदर को कहेगा देखिए मैडम ये रहा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, आप इसको ला के देखिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है हमारे, आप इस पर लगाएंगे वो चुपकेगा नहीं, क्योंकि इट इज़ स्टेनलेस स्टील जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। वेयर एज यदि सिंपल लोहे का बर्तन होगा फट से चुपक जाएगा,
सेम वे में यदि एल्युमिनियम के बर्तन होंगे आप उसमें मैग्नेट लगाओगे तो मैग्नेट उससे नहीं चिपकेगा। दैट मीन्स जब तक करंट पास नहीं हो रहा है तो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस तो हैं यहाँ पहले से, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ तो हैं पहले से, बट वो एल्युमिनियम के वायर को या एल्युमिनियम की जो रॉड हमने यहाँ टांगी हुई है उसको कुछ भी नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने करंट पास किया। द मोमेंट वी पास द करंट तो क्या हुआ, एल्युमिनियम के वायर में से करंट मूव करने लगा। किस डायरेक्शन है, फ्रॉम बी टू ए। और हमने क्या सीखा था, किसी भी कंडक्टर, एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी कंडक्टर से जब भी करंट मूव करेगा तो उसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दैट मीन्स जैसे ही करंट पास हुआ ए बी ए में से, मीन्स इस रॉड में से, तो ये खुद क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट जैसे ही करंट पास हुआ ये भी मैग्नेट बन गया, ये भी एल्युमिनियम नहीं है, वो एल्युमिनियम की बेसिक रॉड है तो रॉड ही, पर उसमें अब करंट पास होने से उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, दो मैग्नेट पास लाने पर क्या होता है, या तो वो अट्रैक्ट करती हैं या डिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस केस में क्या हुआ, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और यदि आपको मैं बोलूं कि ये जो है रॉड, आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, इस साइड को चली गई, कैसे गई, देखो पहले इधर थी, जैसे ही ऑन किया वो उधर चली गई। अब यदि मैं सेम कनेक्शन को उल्टा कर दूं, वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट अभी ऐसे जा रहा है, बी से ए आ रहा है, यदि मेरे को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, बैटरी के कनेक्शन उल्टा करूँगा, लेट्स डू इट। सो हमने उल्टा किया तो उल्टा करने से क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। यदि ऐसे हो गई तो कहाँ से करंट जा रहा है, नाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब फिर इसके अंदर हमने हॉर्स शू मैग्नेट रखी, और इस बार हमने जैसे ही करंट पास किया, हॉर्स शू मैग्नेट को जैसे ही पास लाए, तो इस बार हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो ए बी रॉड है वो किधर डिफ्लेक्ट हो गई, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उससे दूर चली गई। सो दो केसेस हुए हमारे, राइट, कि एक बार ये राइट में गई, एक बार क्या हुई, लेफ्ट में गई। Now the question is, why does the rod get displaced? ये जो rod है ए बी डिस्प्लेस क्यों हुई, हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें ये राइट जाएगी कि लेफ्ट जाएगी, हम कैसे प्रिडिक्ट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हो कि क्योंकि ए बी में अंदर करंट गया तो ये भी एक मैग्नेट बन गई, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट थी, तो परमानेंट मैग्नेट ने क्योंकि ये हैंग कर रही थी तो इट इज़ ईजी टू मूव, तो ये मूव कर गई, इस पर फोर्स लगा, पर एक बार राइट को लगा, एक बार लेफ्ट को लगा, वो क्यों लगा, क्या हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब वो जानेंगे। पर हम ये जान गए कि एम्पियर पेरी ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इस केस में क्या था, परमानेंट मैग्नेट हमारी हैवी थी, अच्छे से हमने पकड़ी हुई थी, इसलिए क्या मूव कर गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव कर गया। वेयर एज प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि कंडक्टर हमारा थोड़ा मजबूत था, पकड़ा हुआ था हमने, और जो हमारी कंपास की निडल थी वो फ्लेक्सिबल थी, पिवोटेड थी एक पॉइंट पे, वो रोटेट कर गई या डिफ्लेक्ट हो गई, यही हुआ। तो जो भी चीज़ कमज़ोर होगी वो चीज़ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी या मूव कर जाएगी अपनी पोजीशन से, पर किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमें नहीं मालूम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इस चीज़ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो अपना पहली कंडीशन लेते हैं, जब हमारा करंट जो है वॉज मूविंग इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। सो इस कंडीशन में यदि करंट बी टू ए जा रहा है इन द कंडक्टर ए बी, जो एल्युमिनियम की रॉड है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम बोल सकते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। और राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फिंगर जो हमारा जो थम है, यदि वो आई है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो हमारी फिंगर्स जो जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही हैं, दोज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसमें क्या देखते हैं, एक चीज़, ये रेड कलर इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेट जो है जिस प्लेन में है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट नीचे जाए या करंट ऊपर जाए, मैग्नेटिक फील्ड या तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, बट करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ लेट्स यूज अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कि करंट हमारा किस डायरेक्शन है, बी ए, तो हम अपने हाथ को कैसे रखेंगे यहाँ पे,
हम रखेंगे राइट हैंड ऐसे ही पकड़ेंगे, तो हमारा थंब किस साइड में है टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारी जो फिंगर्स ऐसे कर्ल होके आ रही हैं, तो वी कैन से कि हमारे कंडक्टर बी ए के अंदर दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकते हैं ऐसी होंगी। इट इज़ नॉट अ कॉइल, ऐसे मत समझो कि कॉइल है, ये जो हमने शो किया है सिंबल, इट इज़ शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके जैसा ये आपको दिख रहा है तो मीन्स ए बी नाउ इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके चारों तरफ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिनकी ये डायरेक्शन है इस फॉर्म में, राइट। इट इज़ ऐसे फ्रंट से देखने पर जो आप अभी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, इट लुक्स एज इफ इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू आर लुकिंग फ्रॉम द स्क्रीन साइड, आप सामने से देख रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या रखा था, बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। पहले केस में हमारा क्या हुआ था, इस पर एक फोर्स लगा था, किस डायरेक्शन में, टूवर्स अंदर, ये अंदर चला गया था, लेफ्ट साइड में मूव किया था जब करंट हमारा बी टू ए जा रहा था, ये हुआ था। और ये यदि इस डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स द फोर्स, ये फोर्स क्यों लगा, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। यदि ये साउथ है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी तो ये भी साउथ नॉर्थ होना चाहिए, ऐसा बना होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो और वो किस डायरेक्शन में होगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारी डायरेक्शन, लाइट ब्लू इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज़ अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द परमानेंट मैग्नेट ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट ए बी, जो कि करंट पास होने की वजह से बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें मालूम है, ये भी हमने बताया भी, सीखा भी कि ये थंब मेरा आई है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जिस जो पिच जिस प्लेन में होती है वो प्लेन ऑलवेज कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहला, दूसरा हमने क्या जाना यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से, कि जो फोर्स लगा ऑन द कंडक्टर ए बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू करंट, वो करंट के परपेंडिकुलर है, एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यदि ये करंट के परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में एक ये है एक ये है, दैट मीन्स देर मस्ट बी अ थर्ड प्लेन। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री, यदि मेरी मान लो ये एक्स एक्सिस या बोलो मेरी बोलो जेड एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस, तो तीन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक्सिस में यदि मेरा फोर्स लगता है तो तीनों एक दूसरे के एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि सर इसकी जो कॉइल की जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है तो कर्व है, यू आर राइट, ये कर्व है। हम कहाँ देख रहे हैं, हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं जिस पॉइंट पर करंट पर ये फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। मीन्स आप देखो कि ये जो रॉड है ए बी, इसकी यदि एज पर देखते हो बिल्कुल सर्कमफेरेंस पर, तो आप देखोगे तो ये जो करंट आ रहा होगा ये नीचे से ऊपर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, दैट मीन्स उस पॉइंट पर ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, मीन्स इस पॉइंट पर इट इज़ टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर फेस, और उसके परपेंडिकुलर है, समझ में आया। ओके, तो ये चीज़ को ना एक्सप्लेन करने के लिए जो पियर थे उन्होंने एक रूल निकाला, दैट इज दैट सिंपल रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब का ये रूल था, उन्होंने लेफ्ट हैंड को रूल यूज़ किया। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या यूज़ किया, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसा रखा, आप अपने हाथ को ऐसे रखो अपने डेस्क के ऊपर, एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स, दिस फिंगर, दिस फिंगर, दिस थंब एंड टू फिंगर्स, आप यदि ऐसे रखोगे सच दैट कि आपका ये जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहेगा। फोर्स मीन्स जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बार पर लगा, जिसकी वजह से ये मूव किया अंदर की तरफ, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड जिसको बोलते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और ये जो परपेंडिकुलर हो रही है, परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों, तो मेरा ये थंब और ये फिंगर तो मेरे इस कुशन के ऊपर रखी हुई है या डेस्क के ऊपर रखी हुई है, वेयर एज दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज आउट ऑफ प्लेन, मीन्स द परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड करंट। तो ये वाली फिंगर कौन सी बता रही है, जो सेकेंड फिंगर है, इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि ये चीज़ है ऐसी
तो हम बोल सकते हैं नॉर्मली फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं और फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। और सबके ऊपर ध्यान से देखो एक एरो बनाया हुआ है। एरो बनाया हुआ मीन्स इन सब की डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, करंट की भी डायरेक्शन होती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। और यहाँ ये सब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप सेम हैंड को, लेफ्ट हैंड रूल को इसी तरीके से रखते हुए आप इस जगह पे रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने डायरेक्शन बनाई है तो उससे आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिल गई, तो लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखो ये फील्ड है इस पॉइंट पर, ये फील्ड इज़ परपेंडिकुलर, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या चला जाएगा, ये बार ए बी जो बार है ये मूव कर जाएगी लेफ्ट को, इसलिए ये लेफ्ट में मूव की थी। अब हमने सेकेंड केस में क्या किया था, करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, दैट मीन्स करंट अब बी ए की जगह ए बी ऑपोजिट हो जाए। तो ये यदि ऑपोजिट हो जाएगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ये जो ये घूम रही हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, जो ऊपर थी अभी नीचे हो जाएगी, पर स्टिल करंट एंड फील्ड आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जो फोर्स लेफ्ट में लग रहा था वो किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स द राइट साइड। दैट मीन इन बोथ द कंडीशन, इस वजह से क्योंकि राइट हैंड में हो गया तो इसी वजह से जो हमारी बार थी क्या हो गई, जो सेकेंड केस में क्या हुआ था, डायरेक्शन चेंज की तो ये इससे डिफ्लेक्ट होगी, दूर चलेगी, तो एक में लेफ्ट गई थी एक में राइट चलेगी। तो इस तरीके से ये यदि स्विंग करेगी, यदि हम की इसकी बैटरीज की डायरेक्शन बार बार या करंट की डायरेक्शन चेंज करते रहें तो हमारा जो ये ए बी है वो एक पेंडुलम की तरह इधर उधर मूव करती रहेगी। और ये किससे मालूम चलेगा हमको, किस डायरेक्शन में जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको मालूम चलेगा। क्लियर, वेरी गुड। और यदि ये आपको क्लियर होगा सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल टू इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी है एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। सो डायरेक्शन आपको क्या पता लगाना है, इन द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी किधर होगा, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज या इन टू द पेज। मीन्स पेज मीन्स स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा होगा, स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। सिंपल सा ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है या एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच यू हैव टू सॉल्व। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो जो दिया हुआ है पहले उसको ड्रॉ कर लें। तो गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड, सो वी कैन ड्रॉ इट दिस वे। और क्या दिया हुआ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ डाउनवर्ड, और वी नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसके ऑपोजिट क्या चलता है, करंट। ये हमारी कन्वेंशन है कि मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो हमको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम चल गई। अब हमको दो चीज़ मालूम चल गई, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमें पता लगा क्या लगाना है, द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, यानी कंडक्टर जिसके अंदर वो करंट मूव कर रहा है। दैट मीन्स करंट मालूम है, बी मालूम है, तो हमको मालूम चला जाएगा फोर्स। और फोर्स क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और इसको पता लगाने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, वी यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब करंट और आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हो तो उस करंट की वजह से ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, वी यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, वी हैव टू यूज़ थ्री फिंगर्स, थम यूज़ करते हैं, दो फिंगर यूज़ करते हैं। ये आपको आता ही है कैसे यूज़ करना है, सो प्लीज़ ट्राई टू अलाइन विद दिस। एंड वंस यू अलाइन यू विल फाइंड कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ इन टू द पेज, मीन्स जहाँ अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मीन्स कौन सा वाला फोर्स, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो कंडक्टर पे किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। सो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पर किस डायरेक्शन ऑफ होगा, इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो वी विल से इट इज इन टू द पेज, सो द ऑप्शन, द आंसर इज डी विच इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड। बहुत बार ना ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है, पीपल ऑल्सो यूज द सेम डायग्राम, मीन्स ये लेफ्ट हैंड रूल है जहाँ थंब आपका ऑलवेज टूवर्ड्स द फोर्स, ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज द करंट। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और जो सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है, फोर्स, तो थंब हमारा सबसे पावरफुल होता है हैंड के अंदर बाकी फिंगर के मुकाबले। तो याद रखो फोर्स जो होगा वो थंब से रिप्रेजेंट होगा।
बाकी बी एंड आई अल्फाबेटिकली चलोगे बी बी आएगा उसके बाद आई आएगा. सो इट इज़ ऑलवेज यू कैन रिमेंबर इट ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. एंड दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. दो हमारी नर्व्स के अंदर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ फ्लोइंग इट्स वेरी वेरी लेस, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बट स्टिल करंट इज़ फ्लोइंग. हाँ, तभी हमको मालूम चल जाता है कि किसी ने हमारे लेफ्ट लेग को या टो को या राइट को या किसी भी चीज़ को टच किया. दैट इज़ वाई, और ये हमारा माइंड इतना स्मार्ट है कि उसको मालूम चल जाता है कि कहाँ से ये सिग्नल आ रहा है. सो मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि दीज नर्व्स आर बेसिकली कंडक्टर, यू कैन से, वेयर द करंट इज़ फ्लोइंग. एंड इफ द करंट इज़ फ्लोइंग दो द मैग्नीट्यूड इज़ वेरी लेस, इट इज़ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और किसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मेज़र कर लूँ तो उसका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं. तो ये करंट पहले कैसे फ्लो हो रहा होता है, यदि एक सिंपल से वीडियो फॉर्म में देखें तो नर्व्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे होते हैं इधर से उधर, राइट. तो ये जाल सा होता है नर्व्स का पूरी बॉडी के अंदर. और इसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड हो या बॉडी के हर पार्ट में, यू कैन मेज़र. इफ़ यू कैन स्कैन योर बॉडी थ्रू समथिंग, देन यू कैन फाइंड आउट कि वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मोर एंड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ लेस. और इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं MRI. MRI मीन्स मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मीन्स जो आपकी बॉडी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं नर्व्स के अंदर, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो रिजोनेट कर रही है, मीन्स वो वेरी भी कर रही है, उसकी हम इमेज बनाते हैं. और इस टाइप की एक मशीन होती है, उसका शॉर्ट फॉर्म है MRI बोल देते हैं, उसकी हम इमेज बनाते हैं. और यदि आप इमेज देखेंगे, जैसे ये अंकल अंदर गए हुए हैं और इस कंप्यूटर पे ये जो डॉक्टर हैं वो देख रही हैं, वो क्या देख रही हैं, उनके माइंड को देख रही हैं. और माइंड में ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये कलर्स बेसिकली कहीं रेड हैं, कहीं ऑरेंज है, कहीं ब्लू है, कहीं डार्क ब्लू है, इट इज़ शोइंग द एक्टिविटी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड. और जो भी जितना भी आपकी बॉडी एक्टिव होगी उसका मतलब क्या हुआ, उतने ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स द ब्लू पार्ट इज बेसिकली इज द स्टेशनरी पार्ट, और देर इज़ नो मूवमेंट और नथिंग इज़ हैपनिंग इन दिस पार्ट ऑफ द माइंड. वेयर एज जहाँ रेड है इट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट, राइट. और आप इस स्कल में देखो बाहर बाउंड्री पे, बिकॉज यू आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेट इसके अंदर ही बहुत सारी मैग्नेट होती हैं, दोनों मैग्नेट्स को के डिफरेंस को मेज़र किया जाता है. दैट मीन्स आपके जो बाल हैं वो इस मशीन की वजह से चार्ज हो रहे हैं, चार्ज हुए तो बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्कल में हो रही है, वो ये बता रहा है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि डॉक्टर्स ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में या आपके माइंड में किस पार्ट में, उसमें जो नॉर्मल एक इमेज ली और एक एबनॉर्मल आदमी की इमेज ली. एबनॉर्मल मीन्स मान लो इसके माइंड में यहाँ पे कुछ एक ट्यूमर है, तो ट्यूमर की वजह से बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज वायरस वगैरह होंगे, वो मूव कर रहे होंगे, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी. सो दे कैन जनरेट कि विच एरिया इज़ वेरी वेरी एक्टिव, तो वहाँ पे उनको मालूम चल जाएगा, अरे कल तक तो ये ब्लू था, आज टुडे यू आर फाइंडिंग इट इज़ समथिंग रेड. सो डिफरेंस से आपको मालूम चल सकता है कि किस जगह पे बॉडी में ट्यूमर है या कोई बीमारी है या समथिंग इज़ देयर. सो दीज आर फ्यू गुड एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन. नाउ लेट्स कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ इस मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर. इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. जैसे ही मैंने वर्ड बोला इलेक्ट्रिक मोटर, आपके दिमाग में क्या आया, क्या आपने कभी देखी है इलेक्ट्रिक मोटर? कुछ बच्चे बोल सकते हैं यस सर मैंने देखी है, मेरे घर में ना फार्म हाउस है, फार्म हाउस में पंप लगा है, वाटर पंप, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है. कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने सर ना कुछ फैक्ट्री विजिट की है, वहाँ पे मैंने मोटर देखी है, इलेक्ट्रिक मोटर्स वहाँ पे भी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. यू आर राइट, आप यू आर करेक्ट. बट मैं आपको बोलूँ कि आप बचपन से ही इलेक्ट्रिक मोटर के साथ खेल रहे हो, डू यू बिलीव इट, जो आप बहुत छोटे थे ना तब से ही खेल रहे हो. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी मोटर देखी होगी, राइट साइड में देखो ये छोटी सी मोटर, आपने अपने खिलौनों को तोड़ा होगा ना, आपकी इलेक्ट्रिक कार होगी, आपका प्लेन होगा, कोई भी ऐसा खिलौना जो चलता होगा ड्यू टू बैटरी, जिसमें सेल्स चलते होंगे, उसमें ये छोटी सी मोटर होती है. और यही मोटर है इस कॉल इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका बड़ा रूप आपने वाटर पंप में लगा हुआ देखा, फैक्ट्री में देखा, या कहीं पे भी देखा.
चलो इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते हैं, इसकी एक्सप्लोर हुई सब चीज़ को खोल देते हैं। आई डोंट नो आपने बचपन में कितनी मोटर खोली, पर मैंने तो बहुत सारी मोटर खोली। बहुत अपने मेरे जो खिलौने आते थे ना, दो दिन में ख़राब हो जाते थे, क्यों, मैं सब कुछ खोल देता था। सो लेट्स डू द सेम थिंग टूडे, आज भी वही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, इस मोटर को पूरा ओपन कर दिया। द ओनली डिफरेंस इज, जो मैंने आपको एक्सप्लोडेड व्यू दिखा रहा हूँ उसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसका जो कवर रेड है वो एक्चुअली मैंने जो एक्सप्लोर किया फोटो के अंदर, इट इज़ ब्लैक। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बस कलर डिफरेंस मान लो, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके, इसको क्या क्या बोलते हैं, इस कवर को तो टॉप कवर होता है। ये जो कवर है ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द टॉप कवर, इज़ अ कवर। और ये जो बैक साइड है इट इज़ अ कवर, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का है। और ये दो चीज़ क्या हैं, दीज आर कॉल्ड टू परमानेंट मैग्नेट्स, एक ये मैग्नेट है एक ये मैग्नेट है, जो आप जिससे आप खेलते हो, हाँ बार मैग्नेट, उसकी शेप जो है इस टाइप की है, सो दैट इस मोटर के इस केसिंग के अंदर ये इजीली आ पाए, इसलिए इसकी शेप ऐसी है। और मोटर के बीच में एक ये पार्ट है, दिस द एक्सल, जो ये बाहर दिख रहा है मोटर का पार्ट राइट साइड में, यहाँ देखोगे जो बाहर निकला होता है राइट, इस इसको एक्सल जो रोटेट करता है, जो आपके एक छोटे से गेयर या व्हील से जुड़ा रहता है। एंड ये एक्सल जो रोटेट करता है इसमें दो बियरिंग होती हैं, देखो एक ये बियरिंग लगी हुई है, छोटी सी बियरिंग होती है, एक ये लगी हुई है जो कि यहाँ आके फंसती है इस जगह पे, और एक बैक साइड में बियरिंग है वो ये वाली बियरिंग है जो आपको ब्राउन कलर की दिखी, वो यहाँ जाके अंदर चली जाती है इसमें। उसके अलावा एक ये पार्ट है, अब इस पार्ट को हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। एंड इस पार्ट के बाद में एक ये छोटा सा पार्ट है जो आधा सा हल्का सा विजिबल है, एक ये पार्ट है, इसको भी समझेंगे। एंड देर आर दीज टू क्लिप्स टाइप की चीज़ें, इनको भी हम समझेंगे। तो बट ये क्लियर है कि एक मोटर होती है उसमें से दो वायर निकल रहे होते हैं, और जब हम इसको करंट देते हैं तो ये मोटर हमारी रोटेट करती है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डजेंट मैटर, बट इट रोटेट्स। क्लियर, ओके। अब इसका ना हम ना एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम मीन्स इलेक्ट्रिकल डायग्राम। ये तो एक्चुअल एक्सप्लोडेड भी हो गए, सो यदि मैं इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाऊँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल मीन्स रेड वाली दोनों क्या हैं, दो परमानेंट मैग्नेट। यदि मोटर में देखोगे तो हमारे दोनों सेम कलर की हैं, इट इज़ इन ब्लैक कलर, यहाँ पे रेड कलर में देख, एक मान लो नॉर्थ है तो एक साउथ है। ये जो पार्ट दिख रहा है बीच में ए बी सी डी, ये जो पार्ट दिख रहा है लाइट ब्राउन कलर का, वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है। ये जो तीन पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे तीन है, अब ये क्यों तीन है और इसका डिज़ाइन हमने सिंपल फॉर्म में बनाया है वो क्या है, वो अभी हम बात करेंगे। देन ये हमारा एक्सेल हो गया जो कि रोटेट करता है, वो ये वाला पार्ट हो गया। इसमें देखो एक्सेल के ऊपर एक ये पार्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये एक रिंग है जो एक्सेल पे चढ़ी हुई है और यहाँ से कटी हुई है राइट, स्प्लिट है, दो पीसेस में डिवाइड है, दो हो सकते हैं मल्टीपल हो सकता है, इस केस में इट इज़ इन टू पार्ट्स। वो ये चीज़ लगी हुई है जो यहाँ इस ब्राउन और इस पार्ट के बीच में बहुत हल्का सा दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, बट दिस इज़ द रेड पार्ट। इस जो स्प्लिट पिन है इस पर आप देखेंगे एक्स और वाई, ये क्या दिए हुए हैं, बुशेस, एक्स एंड वाई बुशेस हैं जो इसको स्प्लिट रिंग को, ये जो स्प्लिट रिंग है जो एक्सेल पे लगी हुई है, चुकी हुई है एक्सेल के साथ, जब ये एक्सेल रोटेट करेगा तो इसके स्प्लिट रिंग इसके साथ रोटेट करेगी, तो उसको एक पार्ट टच कर रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ बुश। तो वो ये बुश इस केस में देखोगे, एक ये वाला कॉपर का बुश हो गया, एक ये वाला बुश हो गया जो कि इस पार्ट को टच करेंगे, ये जो पार्ट है पतला सा, ठीक है। और कुछ बाकी तो क्या है, केसिंग है और ये जो पिन है, ये पिन क्या है, इन बुश को होल्ड करने का अरेंजमेंट है, ये इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये वाला पार्ट इधर चढ़ जाएगा, दोनों को लगा देंगे तो बुश पकड़ लेंगे, मीन्स एग्जैक्टली इसी फॉर्म में बुश इसको टच करके रखेंगे, किसको, स्प्लिट रिंग को। कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसमें से ये क्या निकल रहे हैं, दो वायर, एक ये वायर है एक ये वायर है, जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कार की अपनी होती है ना, कार की बैटरी में बैटरी लगाते हैं, एक दो तीन, इसमें कितनी लगाई, 1 2 3 4 5 बैटरीज लगाई हैं, सपोज़ इज़ अ बैटरी ऑफ योर कार, जो आप बचपन में खेलते थे रिमोट कार, वही कार है, और उसमें एक स्विच होता है नीचे, वो ये की है हमारी। तो इसमें मोटर में देखो ये दो वायर जा रहे हैं, वही दो वायर हैं ये, तो आपको मोटर क्लियर हो गई, दिस इज़ अवर इलेक्ट्रिक मोटर, और ये मोटर में जब करंट पास होता है तो ये रोटेट करती है, दिस इज़ द एक्सप्लोडेड व्यू, और ये उसका डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम हो गया मोटर का। अब देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी मोटर को स्टार्ट करेंगे इसी डायग्राम में। सो हमने की को ऑन किया,
जैसे ही हमने की को ऑन किया, बैटरी लगी है तो क्या होगा, करंट पास होगा. सो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग दिस डायरेक्शन. क्यों स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चलता है इसलिए पॉजिटिव से जाएगा घूम के, एंड इट विल फॉलो दिस पाथ. ये यहाँ आया, इसने स्प्लिट रिंग को टच किया, स्प्लिट रिंग को टच करने से, टच होने के बाद कहाँ गया, वो इधर गया. स्प्लिट रिंग का ये पार्ट है, हाँ ये इधर गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर बी टू सी जाएगा, फिर सी टू डी आएगा, फिर डी टू वाई आएगा, एंड अल्टीमेटली वापस इसी उसमें घूम के वापस यहाँ गया. सो दिस इज अवर सर्किट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं. ये हमने जस्ट ये दिखाया हुआ है कि इस पार्ट से ये बुश यहाँ पे कनेक्टेड है, बस ये समझाने के लिए, राइट. ओके, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल, वेरी गुड. नाउ ये क्या थी, परमानेंट मैग्नेट. एक उसका नॉर्थ पोल है, एक उसका साउथ पोल है. यदि मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड होंगी. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ. सो वी कैन ड्रॉ इट. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमको दिख नहीं रहे हैं आँख से, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ इट. तो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया. अब ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में ये क्या है, एक कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लैक कलर का करंट. दैट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, किस में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में. तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक करंट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है, तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन हम किससे पता लगते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यदि इस पॉइंट पे यहाँ देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में, तो ये फिंगर राइट में हो गई. करंट की डायरेक्शन इधर, तो ये मेरी ब्लैक कलर इज़ द करंट डायरेक्शन. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड. सो इस पॉइंट पे देखूंगा मेरा सी डी, ये जो कंडक्टर है सी और डी, इतना पार्ट की बात करूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन. तो बाय लेफ्ट हैंड रूल जो ये ऊपर है, फोर्स कितना लगेगा इस पे ऊपर. अब यदि मैं ए बी कंडक्टर में देखूँ, ये भी एक कंडक्टर है, इसमें करंट देखो, इसमें सी डी में तो करंट राइट साइड में जा रहा है, इसमें अपोजिट करंट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे. अब ये देखो एक रिंग टाइप का है जिसमें एक तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर, एक तरफ लग रहा है नीचे. जस्ट अ मिनट, एक और कंडक्टर रह गया बी सी. बी सी कंडक्टर को ध्यान से देखोगे तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये तो 90 डिग्री में नहीं है. दैट मीन्स जब हम सेम डायरेक्शन में करंट चलता है कंडक्टर के अंदर, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है. दैट मीन्स बी सी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा. सिमिलरली ए डी के अंदर यहाँ थोड़ा बहुत चल रहा होगा, यहाँ पे भी चल रहा होगा इस वाले बैंड पार्ट में. दैट मीन्स वो क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स ना इधर फोर्स है, ना इधर फोर्स है, ना इस बी सी कंडक्टर पर. अब फोर्स किस कंडक्टर पर लग रहा है, ए बी कंडक्टर और सी डी कंडक्टर, विच इज़ पार्ट ऑफ दिस लूप, ये जो पार्ट है. अब यदि किसी चीज़ पर ऐसा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ नीचे जाएगी, तो ये ऐसे करके रोटेट हो जाएगा. और ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है, ये एक्सल से जुड़ी हुई है, तो हमारा एक्सल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा. क्लियर है, ओके. चलो एक काम और करते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ को थोड़ा डायरेक्शन बदल देते हैं. तो सपोज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो अब क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी. सो लेट्स पुट इट ऑपोजिट साइड, नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है, पर करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ. पर यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब मैं यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, इस पॉइंट पे लगाता हूँ, तो डायरेक्शन यू विल फाइंड इधर नीचे आएगी और इस साइड ऊपर आएगी. यू कैन मेजर, कर सकते हैं. देखो बी लेफ्ट साइड में हो गया, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो फोर्स किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा. तो अब क्या हुआ, इस बार ये कैसे घूमेगा, फोर्स कैसे लगेगा, ये जो पार्ट है कंडक्टर, इस पे ए बी पे ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे लग रहा है, और ये दोनों क्या है, एक एक्सल के ऊपर है, तो एक्सल क्या होगा, रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में. एग्जैक्टली ऐसे ही रोटेट करेगा. चलो इसका एनिमेटेड व्यू देखते हैं. सो ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है, ये वो पार्ट है जो कि हमने यहाँ देखो, हमने क्या किया, जो स्प्लिट रिंग में वेल्डेड किया हुआ है. यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये जो पार्ट है, ये जो हमने रिंग बनाई है इस टाइप से, एक लूप बनाया, वो लूप यहाँ से वेल्डेड है. तो ये हमने देखो एक ट्यूब का बना दिया, कॉपर का वायर को अच्छे से वेल्डेड किया हुआ है, राइट. और ये कार्बन ब्रशेज हैं, ब्रशेज मीन्स जो कि हमने इससे टच कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉपर के लिए हैं, यहाँ पे कार्बन के लिए, डजेंट मैटर. लूप आया और ये हमारी बैटरी हो गई, एग्जैक्टली सेम सर्किट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आपने बैटरी ऑन की, दैट मीन्स आपने ये प्लग ऑन किया, करंट इसमें गया, तो क्या होगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग. एंड एग्जैक्टली होगा, देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ऐसे ही क्लॉकवाइज घूम रहा है.
क्योंकि करंट कैसे जा रहा है इसमें, इधर से निकल रहा है ऐसे घूम के घाम के ऐसे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम ही हमारा है। दोबारा देखना है, लेट्स व्हाट इज अगेन। तो क्या होगा इससे, आपका जो ये स्पिंडल है, यहाँ जो स्पिंडल लगा हुआ दिस पार्ट इज स्टार्ट रोटिंग, विच इज ये मोटर का जो स्पिंडल बाहर निकला हुआ है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर लिया। अब एक्चुअल मोटर जो है, आप देखोगे ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट हमने दिखाया है, हमने सिंगल बना दिया और हमने एक स्प्लिट एक 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 रिंग ली, उसके दो पार्ट में स्प्लिट किया, दैट मीन्स एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। अब यदि मैं ऐसे ना इसको ऐसे बहुत सारे लगा दूँ तो यहाँ से देखो, इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें तीन पार्ट है, 1 2 3। ये जो ऊपर लगा हुआ ना, दिस इज़ अ कवर, ये जस्ट कवर है कि जब मैग्नेट से ना मैग्नेट के अंदर इसको असेंबल करेंगे तो मैग्नेट में चिपक ना जाए, ये जस्ट इंसुलेशन के लिए। अंदर ये जो दिख रहा है कॉपर का, तो 1 2 3 इसमें तीन है, वेयर इज इन अवर केस इट इज़ 1 ओनली। दैट मीन्स मैंने यहाँ जो स्प्लिट रिंग बनाई है इसमें हमने 2 पार्ट किए, उसमें हमने कितने पार्ट किए, उसके 6 पार्ट किए। मीन्स ऐसे 1 2 3 में लगा दूँ तो भी सब इसी डायरेक्शन में घूमेंगे। एंड दिस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है, हम इसके एन नंबर भी हो सकते हैं। ये देखो, हमने ये हमारा स्प्लिट रिंग है, यही वाली जो स्प्लिट रिंग है, ये हमारे देखो कितने पार्ट में करी। तो जितने मैंने ऐसे लूप इसमें यूज़ किए, देखो ये लूप्स आ रहे हैं, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, इसमें बहुत सारे लूप हैं, तो जितने भी लूप्स मैंने लिए उतने ही मैंने क्या किया, स्प्लिट रिंग को उससे डबल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में किया, यहाँ पे उसके यदि ये एन है तो 2n पार्ट में हमें डिवाइड कर दिया। तो ये सब ये जो स्प्लिट हैं ये सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर ऐसे करके हमने चुपकाई हुई हैं कि ये अलग नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो दिस पार्ट, तो यहाँ क्लियर हुआ, ये सेंटर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। वेयर एज यहाँ हमने क्या परमानेंट मैग्नेट यूज़ की, और अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मोटर बड़ी होती जाती है तो परमानेंट मैग्नेट बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज़ करते हैं। मीन्स वो मैग्नेट जो कि यदि ये भी मैग्नेट बन जाएगा, कॉइल के अंदर करंट पास हुआ, ये कॉइल ही तो हुए, बहुत सारे वायर्स हमने लिपेट दिए, तो इसमें करंट पास होगा, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे रखा है कि दिस विल क्रिएट सपोज नॉर्थ पोल, इट विल क्रिएट साउथ पोल, और ये प्लास्टिक के फ्रेम के अंदर हमने रख दिया। और जैसे जैसे मोटर्स बड़ी होती जाती हैं, प्लास्टिक की जगह हम और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, हैवी मटेरियल यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज़ द आर्मेचर, और ये क्या है, स्पिंडल है, यही जो छोटी मोटर में देखोगे तो ये स्पिंडल है। इसमें देखो एक ये बेयरिंग लगी हुई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक एक बेयरिंग है और एक साइड बेयरिंग है, जो कि बड़ी इस वाली मोटर में देखोगे ये बेयरिंग है, ये पीछे वाली बेयरिंग, और उसके बाद एक ये बेयरिंग है जो बेयरिंग के बाद शाफ्ट बाहर निकल हुआ है या एक्सल बाहर निकला हुआ है। तो देखो इस बेयरिंग के बाद ये एक्सल बाहर निकला हुआ है, क्लियर हो गया। तो मोटर कैसे चलती है, क्लियर। सो नाउ यू नो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मोटर घूमती क्यों है, बाय इट फॉलोज द रूल, कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ये रोटेट करती है। खाली रूल की वजह से नहीं करती, रूल से तो आपको मालूम चलता है किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, बट यू नो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट करंट कंडक्टर होगा उस पर फोर्स लगेगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या भला होती है। इमेजिन करो अ सिचुएशन कि अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हमने देखा मोटर के अंदर एक कंडक्टर घूम रहा था, मोटर में मैग्नेट बाहर रखी हुई थी, तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर घूम रहा है, राइट, इट इज़ मूविंग। अब वो रोटेट करे या लीनियर जाए या सर्कुलर मोशन हो, डजंट मैटर, बट इट इज़ मूविंग। या इसका ऑपोजिट हो सकता है कि मैं कंडक्टर को स्टेशनरी कर दूँ, फिक्स कर दूँ, और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। और यदि मैं ऐसा करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कि कंडक्टर को तो फिक्स रख रहा हूँ पर मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेरी कर रहा हूँ, इससे कुछ होगा, यस, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कैन यू आंसर इट। और इसी क्वेश्चन का आंसर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे, बहुत ही फेमस आदमी है, एक तरह से बोला जाता है फिजिक्स का पितामह, इन्हीं को बोला था इलेक्ट्रिसिटी का पितामह, ही इज़ अ फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइकल फैराडे, ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड दिस फिनोमिना। उन्होंने क्या किया, कंडक्टर को फिक्स रखा, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया, एंड जब उन्होंने ऐसा किया इन 1831, फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब मूविंग मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, जब मैग्नेट मूव करेगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो उसके साथ जाएगी,
कंडक्टर स्टेशनरी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दिया, तो क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेट को मूव कराऊं या मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूं, एक ही मतलब है। तो इन्होंने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की, और डिस्कवरी ये थी कि जब भी मैं मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से मूव करता हूँ तो उसमें क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, उसको समझने के लिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर 8। इसमें आपने करना क्या है, सो वी हैव टू टेक अ कॉयल ऑफ वायर ए बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉयल टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। सो दिस इज द फिगर जिसके अंदर एक वायर है, ये वायर लिया, उस वायर को ऐसे लिपेट दिया इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल, और उसका दूसरा टर्मिनल एक कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होती है, जो हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन, कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, या लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर उसी हिसाब से, या तो लेफ्ट में टर्न होगा या राइट में टर्न होगा, उससे हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट मालूम चल जाएगी, ठीक है। और ये ए बी क्या है, बेसिकली एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एक पाइप है या प्लास्टिक का पाइप है जिसके ऊपर आपने वायर को ऐसे टर्न किया, सो दैट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कॉयल इज मेंटेन्ड, वो इधर उधर बैंड ना हो, है ना, बढ़िया से आपने बैंड कर दिया, बना दिया, पहला काम, वेरी गुड। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ले लो, आपको मालूम है उसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। आप क्या करो, नॉर्थ पोल को इस कॉयल की तरफ रखो एंड थोड़ा सा नॉर्थ क्या करो, आगे पीछे करो, इस कॉयल के पास आगे पीछे लाओ। कैसे करना है, सो वी हैव टू ब्रिंग दिस वे एंड वी हैव टू टेक इट बैक। नाउ इफ आई आस्क यू कि जब ये आगे पीछे हुई तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ हुआ, आपने देखा, नहीं देखा, क्योंकि यू आर बिजी हेयर। जो मैं आपको बता रहा था कि परमानेंट मैग्नेट को क्या करो, बार मैग्नेट को ऐसे करके आगे पीछे करो, आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, इसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स सी, लेट्स वॉच अगेन। अभी ऊपर मत देखना, वो दोबारा से हम करते हैं कि ये आगे गई और ये देखो गैल्वेनोमीटर राइट में गया, अब वो पीछे गई तो गैल्वेनोमीटर दूसरी डायरेक्शन वापस वहीं आ गया, मतलब ये जहाँ से चली वहीं आ गया। सो लेट्स वॉच इट अगेन, देखो जैसे ही आगे जा रही है तो करंट इसमें बढ़ता जा रहा है, और बैक लिया तो करंट वापस वहीं पहुंच गया जीरो, दैट मींस एक जीरो से चला 10 हुआ, 10 से वापस जीरो हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है, सो देर इज़ अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हुआ, जब इसमें मोमेंट हुआ तो उसी समय इसमें भी मोमेंट हुआ, ये आगे गया तो ये राइट में गया, देन दे बैक आया तो ये लेफ्ट में गया। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। ये मूव क्यों किया गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जब करंट पास होगा, इसका मतलब जब मैंने मैग्नेट को घुमाया आगे पीछे किया तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेट करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो करंट क्या हुआ, उसी की वजह से गैल्वेनोमीटर इधर उधर होगा, अदरवाइज डिफ्लेक्ट ही नहीं होता। द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप। जैसे ही मैग्नेट आगे जाके पीछे आके रुकी, फिर वापस जीरो पे आके रुक गया। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेट को मैं आगे पीछे करता हूँ तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, पर ऐसा हुआ क्यों, वो ऐसा इसलिए हुआ कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी मेटल से बनाया, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, किसी मेटल, वो मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके या इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सके, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। और कोई भी कंडक्टर होगा वो किससे बना होता है, एटम से। एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस, है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसके लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन से कॉइल्स बनी हुई हैं। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को लाया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बेचारे जो बैठे हुए थे डिस्टर्ब हुए, तो एक बार उसने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हुए तो इधर से भाग के इधर आ गए, फिर जब इधर किया तो इधर से भाग के उधर चले गए। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट माइकल फैराडे फाउंड आउट, कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अपने आप ही करंट फ्लो होने लगता है। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड किया, तो आप कॉन्फिडेंटली यू कैन से कि जब मैग्नेट आगे पीछे होती है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है।
बिकॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट. ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. या दूसरे वे में जो हमने अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, मीन्स परमानेंट मैग्नेट ले आते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड हम लेके आ गए, कंडक्टर हमारे पास है, तो अब इसमें करंट फ्लो होना चाहिए. वो कब फ्लो होगा, जब देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड. यदि मैग्नेटिक फील्ड के पास ला के रख दोगे एक बार तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, हल्के से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए और फिर वो यूज टू हो गए, अब उनको आदत पड़ गई मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहने की. यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तभी इसमें इलेक्ट्रॉन हिलेंगे डुलेंगे, अदरवाइज नहीं हिलेंगे डुलेंगे. दिस मच यू कैन कंक्लूड. लेट्स डू वन मोर एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी नंबर 9. इस बार हम क्या करेंगे, लेट्स टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. से एक में 50 टर्न है, दूसरे में 100 टर्न है. अभी तक जो हमने कॉइल ली थी प्रीवियस एक्टिविटी में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम थे. एंड अब क्या करना है, इंसर्ट दैम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल एज शोन इन द फिगर. तो जिस इस तरीके के फिगर जो है इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल रोल लिया, गत्ते का एक रोल, कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का रोल, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उसके ऊपर हमने एक कॉइल्स दोनों बना ली, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2. कॉइल नंबर 1 में हमारे सपोज 100 टर्न है, तो इसमें ऐसे सपोज 50 टर्न्स हैं. ओके, और क्या किया हमने, कॉइल नंबर 1 को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, एक स्विच लगाया इस टाइप से, वेरस कॉइल नंबर 2 को हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया. कॉइल नंबर 2 को गैल्वेनोमीटर से किया, इसका मतलब वी वांट टू मेजर कि कॉइल नंबर 2 के अंदर कुछ करंट जनरेट होता है कि नहीं होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या है. नाउ थर्ड स्टेप इज प्लग द की. अब हम इस की को ऑन करेंगे. तो यदि मैं की को ऑन करूँगा तो क्या होगा, करंट इसमें मूव करेगा, तो करंट स्टार्ट मूविंग, इस डायरेक्शन से करंट गया और इस डायरेक्शन में करंट आएगा वापस. और जब ये करंट इसमें जाएगा तो क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए. तो हमने क्या मालूम है, हमने अभी तक क्या जाना था, किसी कॉइल के अंदर यदि करंट मूव करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सॉलिनाइड, और जब ये सॉलिनाइड होती है तो इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक तो पहले जब तक करंट नहीं था, कि हमने ऑन नहीं थी, कोई करंट नहीं था, कॉइल नंबर 1 मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रही थी. जैसे ही हमने करंट डाला इसमें तो सडनली ये क्या होगी, मैग्नेट बन जाएगी. पहले मैग्नेट थी नहीं, सडनली मैग्नेट बन गई. दैट मीन्स कॉइल 2 के पास जो पहले कोई मैग्नेट फील्ड नहीं थी, सडनली मैग्नेटिक फील्ड आ गई. जैसे ही सडनली मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कहाँ थे वो, इन इस कॉइल के अंदर, कॉइल का एक एटम से बना हुआ है, तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्टर्ब हुए. उनको लगा कौन आ गया, धक्का लगा. जैसे ही धक्का लगा वो भागे, और जो भागे तो देर इज़ अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट जनरेट हुआ. तो लेट्स सी क्या हुआ, ये देखो, जैसे ही हमने ऑन किया तो ये क्या हुआ, सडनली गया 10 तक एंड इट केम बैक. पर ऐसा हुआ क्यों, कि जैसे ही हमने कॉइल में करंट ऑन किया तो हमारा यहाँ डिफ्लेक्शन हुए एंड सडनली इट केम बैक. मीन्स द करंट गोज एज हाईएस्ट, सपोज इन दिस केस हमने किया करीब से 10 एम्पियर्स और फिर वापस 0 एम्पियर हो गया. क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए हुआ कि जब हमने इसमें कॉइल में करंट पास किया सो इट बिकेम परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलनाइड वॉल बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई. इनिशियली कोई मैग्नेट नहीं थी, सडनली जब करंट आया तो ये मैग्नेट बनी, इसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ आ गई. दैट मीन्स इनिशियली इसमें से कॉइल में से कॉइल 2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स इनिशियली कुछ भी नहीं थी, और जैसे ही करंट पास हुआ था मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो उनको धक्का लगा वो मूव किए, और जो मूव किए उसके बाद ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ. जब कोई चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजिशन में आ गए. दैट मीन्स जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव किए तो मैग्नेटिक फील्ड बनी और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक अचीव की उसने, जैसी उसकी फिक्स वैल्यू आ गई उससे ज़्यादा करंट बना नहीं, और बिकॉज नाउ देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा, जब तक आगे पीछे कर रहे थे तब तक तो करंट बन रहा था, अदरवाइज नहीं बनेगा क्योंकि फुल मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ आ गई. अब ये फिक्स पोजीशन पे, कोई चेंज ही नहीं हो रहा. लेट्स डू वन थिंग, अब एक काम करते हैं, अब इस बार जो है हम इस स्विच को ऑफ करेंगे एंड देन वॉच दिस गैल्वेनोमीटर कि क्या इसमें कुछ चेंज होता है. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. अब हमने इसको जैसे लेट्स सी, हम इसको डिसकनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स मैं की यहाँ से निकालूंगा, आपको ये वॉच करना है. मैंने देखो की निकाली तो यहाँ कुछ हुआ, यस इट मूव इन दिस डायरेक्शन एंड अगेन केम बैक.
दैट मीन्स जब मैंने करंट स्टार्टिंग में ऑन किया तो करंट बना, तब ये राइट साइड गया, जब मैंने की निकाली तो क्या हुआ, करंट ख़त्म हुआ। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो से ग्राफिकली समझते हैं कि यदि मेरी ये टाइम है और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऐसे बोलें तो इनिशियली क्या हुआ, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं थी, जैसी करंट ऑन किया वो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, उतनी वैल्यू आई, उसके बाद देर इज़ नो चेंज जब तक करंट चलता रहा। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, सपोज बी स्ट्रेंथ थी, वो बी से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, डाउन आएगी, वो सडनली जीरो नहीं आएगी, इट टेक्स सम टाइम, मे बी इट इन माइक्रो सेकेंड्स, वो आपको आँख झपकने से उसके लाखवें हिस्से में हो, बट स्टिल करंट मैग्नेटिक फील्ड थी ना, उसको रिड्यूस होने में कुछ टाइम लगा, वो जो टाइम लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मीन इंस्टेंटली जीरो वैल्यू नहीं आई उसकी, पहले वो बी थी, मान लो उसकी वैल्यू 100 थी, 100 से 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, अल्टीमेटली जाके जीरो हुई। तो इधर यदि टाइम है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो एकदम नहीं हो जा रही है, वो 100 से आते आते या जो भी वैल्यू है उससे डिक्रीज होने में इट टेक्स सम टाइम, दैट मीन्स देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने बंद किया तो भी वेरिएशन था, और जब हमने स्टार्ट किया तो भी वो टाइम लगा उसको फुल कैपेसिटी में आने में। इन दोनों केस में देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, क्योंकि वेरिएशन था इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ, जब वेरिएशन ख़त्म हो गया करंट वापस जीरो हो गया। सेम वे में जब हमने की निकाली उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हाई से जीरो हुई, टाइम लगा, एज अ रिजल्ट फिर मैग्नेटिक वेरिएशन हुए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या परमानेंट मैग्नेट हो, दोनों केस में इफ देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरी कॉइल के अंदर द करंट कंडक्टर के अंदर करंट मूव करता है या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। और इस अरेंजमेंट में जो कॉइल वन है जिसके अंदर हम करंट भेज के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा होता है ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सो एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड हुआ, इसके प्रभाव से ये हुआ। बोलते हैं ना, अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, खराब के साथ रहोगे तो खराब होगे, तो मीन्स उसका इम्पैक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है, तो इंड्यूस इंडक्शन होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन की वजह से, उसके प्रताप की वजह से, ऐसे बोला जाए उसके इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इस एक्सपेरिमेंट में यदि आपने ध्यान दिया हो कि जब हमने करंट इसमें से पास किया तो हमारी सोलेनॉइड बनी थी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगाया, राइट, और उसी फोर्स की वजह से क्या हुआ, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ फोर्स तो लगाइए, क्योंकि इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा इसमें ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है, कि ये मैग्नेट फील्ड पहले बनेगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे करंट प्रोड्यूस होगा, और हमको मालूम है जब करंट प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मीन जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे धक्का मारेगी, मारेगी नहीं मारेगी, दैट मीन्स वो कितना धक्का मारेगी, फोर्स मारेगी, और हमें करंट की डायरेक्शन मालूम है कॉइल में ऐसे ऐसे मूव कर, हमें कॉइल की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मालूम है, किस डायरेक्शन में सेकेंडरी कॉइल पे ड्यू टू प्राइमरी कॉइल फोर्स लगेगा, क्या हम उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं? यस वी कैन, एंड दिस टाइम वी यूज अगेन सेम फ्लेमिंग हैंड रूल यूज़ करते हैं, पर इस बार इस रूल को बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम यहाँ क्या पता लगाना चाहते हैं कि हमको फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, हमें मोशन यदि कंडक्टर का मालूम है
तो उसमें किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा ये हम पता लगाना है। और यदि हमको करंट की डायरेक्शन पता लगानी है तो वी यूज़ ऑलवेज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज़ करेंगे इन अनदर कंपोनेंट कॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर। और अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं वेदर परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो और तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज़ व्हाट माइकल फैराडे आल्सो फाउंड आउट। और जो चीज़ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करे उसी को तो हम जनरेटर बोलते हैं। आपके घरों में लाइट चली जाती है तो यूज़ क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले तो बहुत यूज़ होते थे, आजकल कम होते हैं, राइट? कि आप जनरेटर फट से आप ऑन करते थे, आपके घर में लाइट आ जाती थी। सो विच जनरेट्स अ मशीन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। और यदि मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का आपको डायग्राम दिखाऊं, कुछ याद आया? इट इज़ मोर और लेस सेम, और आई विल से इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में क्या था, दो मैग्नेट थी, एक में नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट हमारी परमानेंट हो सकती हैं या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती हैं, पर मैग्नेट होनी चाहिए जिससे कि हमको दो पोल मिल जाए, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा क्या था, उसमें एक कंडक्टर था, दो रिंग थी, इसमें उसमें एक रिंग थी जो स्प्लिट थी, इसमें हमारी दो सेपरेट रिंग्स हैं। एक एक्सल था एग्जैक्टली वे सेम वे में, और दो वायर निकले हुए थे, इसमें भी दो वायर हैं। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमारी बैटरी थी जिससे हम करंट पास कर रहे थे जो इस कंडक्टर में से होता हुआ आता था। जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, और हमने दो परमानेंट मैग्नेट रखे हैं जिनमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट की तरह काम करती थी। नॉर्थ पोल साउथ पोल में आएगा तो क्या होगा, कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारा कंडक्टर रोटेट करता था, हमारी मोटर घूमती थी। वेयर एज इस केस में हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम करेंगे क्या, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है दैट मीन्स हमने यहाँ दो वायर लाए हैं और हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैग्नेट तो हमने रख दी, जब हमने मैग्नेट रखनी तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को मूव कराएंगे, किस में, परमानेंट मैग्नेट के अंदर। और जब ये कंडक्टर को रोटेट करेंगे मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये ए बी कंडक्टर जो है ये ऊपर जाएगा, तो सी डी कंडक्टर कहाँ जाएगा, नीचे। दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में ये वाला लूप घूमेगा ऐसे ऐसे करके क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और ये कहाँ घूम रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है। अभी इसमें करंट मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स वो कंडक्टर वो मटेरियल का बना हुआ है जिसमें करंट पास हो सकता है, और अभी कोई करंट नहीं है इसमें, हाँ हमने कोई करंट नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं, इस बार इस शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इस शाफ्ट को जब हम रोटेट करेंगे, एक्सल को रोटेट करेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से लूप जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये लूप भी इसमें ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। किस में रोटेट करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। यदि इधर साउथ होता इधर नॉर्थ होता तो इस डायरेक्शन में होती, तो अभी हमारा नॉर्थ लेफ्ट में है साउथ राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दैट मीन्स परमानेंट मैग्नेट के बीच में मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, और हम क्या कर रहे हैं अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ फोर्सफुली घुमाएंगे, दैट मीन्स हमको यहाँ कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा, तो आप उसको स्टार्ट करते हो, उसमें एक इंजन होता है डीजल इंजन, वो डीजल इंजन क्या करता है, इस शाफ्ट को रोटेट करता है। जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, दैट मीन्स वी आर फोर्सिंग द कंडक्टर, कंडक्टर का मूवमेंट ये है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में। अब हमको क्या पता लगाएं, करंट की डायरेक्शन, कि इस कंडक्टर में करंट किधर किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। करंट तो प्रोड्यूस होगा, पर करंट क्यों प्रोड्यूस होगा, वो इसलिए प्रोड्यूस होगा, हमने अभी एक्सपेरिमेंट किए थे कि या तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे या कंडक्टर स्टेशनरी रहे, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, दोनों केस में वायर के अंदर करंट मूव करता है, करंट जनरेट होता है, दैट इज़ व्हाट फैराडे माइकल फैराडे फाइंड आउट। तो अब हम वही कर रहे हैं कि मैग्नेट फिक्स कर दिया, अब कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर रोटेट करेंगे, दैट मीन्स वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स को काटता हुआ जाएगा, दैट मीन्स देर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, मान लो ये दो कंडक्टर हैं ए बी और सी डी, क्योंकि बी सी जो है पैरेलल टू मैग्नेट है, इसलिए बी सी में कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा ए बी में होगा या सी डी में होगा। इन दो कंडक्टर के अंदर क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहे हैं और वो डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस को कट करेंगे,
दैट मीन्स वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ए बी और सी डी में करंट प्रोड्यूस होगा, पर उसकी डायरेक्शन ए टू बी होगी या बी टू ए होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने के लिए हमने क्या बोला, वी यूज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सीधे हाथ को यूज़ करेंगे, सो दैट यदि हमें मोशन मालूम है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है तो हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो अपने राइट हैंड को यदि आप एग्जैक्टली जिस फॉर्म में रखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए होती हैं चीज़ें और ये फ्लेमिंग राइट हैंड के यूज़ है, पर दोनों केस के अंदर थंब हमने क्या बोला था, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स आपके हैंड में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या होती है, थंब। तो इसमें देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स मतलब फोर्स की वजह से ही मोशन क्रिएट होगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यदि नेक्स्ट फिंगर को देखेंगे वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इससे इग्नोर करते हैं बी। थर्ड फिंगर क्या होती है, करंट, लेफ्ट हैंड रूल के अंदर याद बता रहा हूँ, इसमें भी करंट, और करंट को किससे नोट करते हैं आई। और हमने क्या बोला था, फोर्स आपको याद रखना है सबसे पावरफुल फोर्स होता है दैट इज थंब, अल्फाबेटिकली बी देन आई, तो पहले बी आता है फिर आई आता है। इसमें भी देखो राइट हैंड में फोर्स दैट इज मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई, आई मीन्स करंट, और इसमें जो क्या बोलता है इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेट में करंट ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कौन सा रूल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यदि जनरेटर को आप जो ये मैं घुमा रहा हूँ वो घुमाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारे घर में था हम किससे घुमा रहे हैं, डीजल डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से, वेयर एज आप ऐसे भी घुमाते हैं कि हमने ना एक रिवर में जो वाटर है उससे एक व्हील को रोटेट किया, व्हील में एक पुली लगा दी, उस पुली से हमने जनरेटर की पुली को रोटेट किया, मीन्स इस एक्सल को रोटेट किया, और एज अ रिजल्ट आपके बल्ब में लाइट आ गई, वही चीज़ हमको यहाँ देखनी है, राइट ओके। और भी कोई तरीके होते हैं, ऐसे भी हो सकता है अब साइकिल में लगा दो पुली को, और पुली किसकी है, यही पार्ट है जो जनरेटर को है, वो इस कंडक्टर को रोटेट कर रही है जिसमें दो मैग्नेट हैं, एंड योर बल्ब इज़ ऑन। सो दीज आर फ्यू वेज बाय विच मैकेनिकल फोर्स चाहिए होगा, बिना मैकेनिकल फोर्स के ये चीज़ रोटेट नहीं करेगी, और जब ये रोटेट नहीं करेगी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ इफ वी अप्लाई फ्रेमिंग राइट हैंड रूल तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन विल बी इन ए टू बी डायरेक्शन में जाएगा। अब जब करंट इधर गया तो इधर जाने के बाद क्या जाएगा, वो बी सी इस साइड जाएगा। अब इस बी सी में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा एक्स्ट्रा, वट एवर इज प्रोड्यूसिंग इट इज़ प्रोड्यूसिंग इन दिस डायरेक्शन ए बी के डायरेक्शन में, तो जो प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ चला गया। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ वो करंट यहाँ आएगा, बट अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, सी डी कंडक्टर है, ये डायरेक्शन है, तो ये क्या है, फोर्स नीचे लग रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स जब ये रोटेट करेंगे, जब तक ये यहाँ से घूम के ऊपर तक आएगा तब तक करंट क्या है, इस डायरेक्शन में रोटेट करके इधर जाएगा। तो अब आप अपने इसमें गैल्वेनोमीटर में देखोगे कि जैसे ये रोटेट होगा करंट इधर से घूम के आएगा, ऐसे आया इधर आया, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर में कुछ होने लगा। अब आप मान के चलो कि ये आपका रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट, आपका डीजल इंजन इसको तेज़ी से घुमा रहा है, देन यू विल फाइंड इन योर गैल्वेनोमीटर द रीडिंग्स आर वेरिंग फ्रॉम से +10 to -10। मान लो राइट वाले को प्लस बोल दोगे, इसको नेगेटिव बोल दो, तो प्लस माइनस करंट जो है ऐसी वेरी कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि ये प्लस माइनस में क्यों वेरी कर रहा है, गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बता रहा है तो मैं तो इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा हूँ, और जबकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, मेरी रोटेशन जो है इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर में करंट कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। दैट मीन्स ये जो हम करंट की डायरेक्शन आपको दिखा रहा है ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये मीन्स वेरी कर रही है, एक बार इधर जा रहा है एक बार करंट इधर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर तो कभी झूठ बोलता नहीं है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से देखो, जब तक ये ए बी यहाँ था तो मैकेनिकल फोर्स इस लूप के ऊपर क्या लग रहा है, ए बी पे, ये तो ऐसे ही घूमेगा, तो डायरेक्शन ऑफ ये जो रेड है ये तो फिक्स है कि जब भी ए बी यहाँ होगा ये ऐसे ऊपर घुमाएगा, यहाँ आएगा फिर ये इधर आएगा, और ये वाला क्या होगा उस केस में, ये से घूम के ये इधर नीचे आएगा। अब मान के चलो, ध्यान से इमेजिन करो, हाँ ध्यान से सुनना,
कि ए बी में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी तक। अब ए बी घूम के इधर आया, ऐसे आया इस जगह पर, ऊपर ऊपर आ गया बिल्कुल, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अब एंटर करने वाला है, राइट। इधर से ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड में जाने वाला है। अब ये देखो ए बी यहाँ आ गया, तो बी इधर है और ए इधर है, करंट की डायरेक्शन क्या है। मैं यदि ये सी डी से कंपेयर करूँ, यदि मैं सी डी से कंपेयर करूँ, जो सी डी अभी यहाँ पे है और सपोज़ ए बी यहाँ पे आ गया, सपोज़ मान के चलो, तो इसमें डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, उल्टी। ये ए बी इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो जैसे ही ये इधर एंटर करेगा, जैसे ही यहाँ एंटर करेगा, तो क्या होगा, ए बी में जो करंट ऐसे चल रहा था उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो सी डी में वही डायरेक्शन तो होनी चाहिए। और देखो जब सी डी यहाँ आएगा तो वो ऑपोजिट होगा इसका। दैट मीन्स जब ये एक हाफ लूप लेता है तब करंट की डायरेक्शन जो इधर चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स करंट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ए बी जब यहाँ से घूम के यहाँ आएगा और सी डी यहाँ से यहाँ आएगा, तो फोर्सफुली क्या होगा, करंट को इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट घूमना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ये आपको ऐसे डिंग डोंग करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा जो डिंग डोंग करता हुआ दिखता है, यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो वी कैन से कि हमारा जो करंट है, और करंट हम बहुत से क्या पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं, तो वी कैन से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंट है पॉजिटिव से, या करंट मेरा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यदि मैं टाइम के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस या मैं करंट को भी लूँगा, तो उसका मैं ये ग्राफ बनाऊँगा, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। और ये लाइक दिस ऐसे ग्राफिकल इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये जीरो से धीरे धीरे बढ़ के टेन तक जाता है, फिर टेन से धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो तक आता है। तो यहाँ क्या देखो, एक साइड को मैं यदि पॉजिटिव साइड बोल दूँ, तो देखो जीरो से बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू गया, और फिर धीरे धीरे घट के मिनिमम वैल्यू आया, फिर वो जीरो से आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 करके माइनस टेन गया, फिर माइनस टेन से धीरे धीरे करके जीरो आया। सो दैट इज़ वाई बॉटम साइकिल को नेगेटिव साइकिल बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव। और ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दैट इज़ वाई ये हमारा डिंग डोंग कर रहा है, क्या चीज़, गैल्वेनोमीटर। मीन्स करंट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और करंट एकदम जीरो नहीं हो रहा है, एक सर्टेन वैल्यू तक गया, फिर धीरे धीरे वापस जीरो आया, फिर अपोजिट साइड गया। तो मीन्स इट इज़ लाइक अ पेंडुलम, पेंडुलम की तरह ये हो रहा है। और जब कोई चीज़ पेंडुलम की तरह हिलती है, तो वीक से इट इज़ हैविंग अ साइकिल। और इस टाइप के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग, या एसी करंट आपने बहुत बार सुना होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये क्या हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऐसा जनरेटर जो इलेक्ट्रिक करंट एसी करंट जनरेट करे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर। क्लियर, वेरी गुड। नाउ कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें जो हमारे घर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या होता है। वैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है कि डोमेस्टिक मींस घरेलू, इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला सर्किट, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लाए वो सर्किट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस वी कैन से। पर ये डोमेस्टिक मींस हमारे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है। और जो हमने पढ़ा था कि पावर हाउस में हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ जनरेटर जनरेट करते हैं, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, वो घूमती घामती एक सब स्टेशन तक आती है, सब स्टेशन से देन पोल से वो हमारे घर में पहुंच जाती है। सो दिस इज़ अ सिंपल लेआउट कि हमारे घर तक पावर कैसे पहुंची। बट हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट, मीन्स यदि मैं आपका इसका सर्किट डायग्राम बनाऊँ पावर हाउस से लेकर हमारे घर तक, उसको हम कैसे बनाएंगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी भी इसमें मैंने कुछ फोटोग्राफ यूज़ किए हुए हैं, राइट। बट यदि मैं फोटोग्राफ को हटाऊंगा वन बाय वन करके, सो द रिमेनिंग थिंग विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सो देखो ये पावर हाउस है, सो दिस इज़ अवर पावर हाउस, जहाँ से पावर आ रही है। पावर जा रही है तो उसमें जो तार आते हैं, कितने तरह के आते हैं, दो तरह के पावर तार आते हैं, राइट। और यदि इस पूरे सर्किट को देखेंगे तो हम डिवाइड करें, यदि मैं इस सर्किट को बॉटम और टॉप को डिवाइड करूँ, तो ये जो हमारे घर घर के बाहर जो पोल लगा हुआ है वहाँ तक का तो सर्किट है ये, और उससे पहले का वाला है वो ये। ये मीन्स ब्लू ब्लू क्या दिख रहे हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्विच है, बेसिकली दीज आर कॉल्ड सब स्टेशन।
मीन्स वो स्टेशन जहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ किधर किधर कितनी जाएगी, राइट? पता लगता है ना, एक कॉलोनी में अभी लाइट आ रही है, दूसरी में नहीं आ रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा था? सब स्टेशन। मीन्स पावर हाउस से तो यहाँ पावर आ गई, बट द डिस्ट्रीब्यूशन और द कंट्रोल सेंटर इज़ दिस सब स्टेशन। अब यदि मैं पावर हाउस से पावर देखूँ तो इसमें दो कलर में आ रहे वायर्स दिखा रहे हैं हम, एक रेड में दिखा रहे हैं, एक ब्लैक। रेड वाले को हम क्या बोलते हैं? इज़ कॉल्ड लाइव वायर। वेरस जो ब्लैक वाला है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो आपके घर में देखोगे दो तरह के वायर होंगे, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर। अब लाइव वायर किसको बोलते हैं? जिंदा वायर। जिंदा मीन्स मैं इसको किसी चीज़ से टेस्ट कर सकता हूँ। सो आपके घर में एक टेस्टर होता है, एक इस टाइप का टेस्टर होता है। जब आप इसको वायर में कनेक्ट करोगे, जैसे ही टच करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक लाइट है, वो ग्लो करने लगेगी। उससे मालूम चल जाएगा कि दिस इज़ अ लाइव वायर, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या प्रेजेंट हैं, राइट? एंड दे आर नॉट स्टेबल, दे आर मूविंग। तो ये वायर इज लाइव, तो इसलिए लाइट जल जाएगी। वेयर है, सेम टेस्टर को आप न्यूट्रल वायर पे लगाओगे तो यू विल फाइंड वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो पावर हाउस से आपके दो तार आए, कहाँ तक आए? सब स्टेशन में। सब स्टेशन का सर्किट यदि आप देखना चाहो तो इसको हम डायग्राम में इस टाइप से दिखाते हैं। मीन्स करंट आ रहा है, उस करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? न्यूट्रल में तो कुछ हो ही नहीं रहा, उधर सीधा ही चला गया। सो दिस इज़ द डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। फिर वो आपके घर में आता है, आप देखते हैं ना आपके घर के बाहर आजकल एक मीटर लगा रहता है। दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक मीटर विच मेजर कि हाउ मैनी किलोवाट और यूनिट यू हैव कंज्यूम इन अ मंथ। आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो रीडिंग यहाँ आती है। तो इलेक्ट्रिशियन आके इसको मेज़र करता है। और यदि इसका डायग्राम देखें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि रेड आया और दोनों ब्लैक आया, इसके थ्रू गए, यहाँ रीडिंग आ गई और फिर ये आपके घर में चला गया। घर में यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ऐसे लगा रहता है कि जो जो आप क्या कर रहे हो, आपके घर में पावर आ गई। अब आप देख रहे हो कि किस किस के घर में जाना है, कि आपके सिस्टर के रूम में जाना है, कि आपके बाथरूम में जाना है, कि कहाँ जाना है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, एक मेन स्विच होता है नीचे लगा हुआ है, एंड बहुत सारे फ्यूजेज होते हैं। वो फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि ज़्यादा करंट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो अपने आप मेल्ट हो जाए और आपके इक्विपमेंट को बचा दें या आपके घर के बाकी इक्विपमेंट को फेल होने से बचा दें। और इसका यदि डायग्राम देखेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। अब इससे भी दो वायर निकले हर कमरे में। अब ये कोई एक कमरा है मान लो, तो उस कमरे में दो वायर जा रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और वो आपके घर में रेड वाला मीन्स लाइव वायर गया और वो स्विच बोर्ड में गया, स्विच बोर्ड से वापस एक ब्लैक वाला आया। तो मीन्स दोनों तार, एक ब्लैक आता है, इसमें एक रेड आता है। पर आपने ध्यान से देखा हो कि स्विच बोर्ड में कितने देखो होल है, 1, 2, 3, और ये दो एक्स्ट्रा है। मीन्स ये दोनों पैरेलल में, एक छोटा स्विच लगा मतलब प्लग लगा सको या बड़ा प्लग लगा सको उसके लिए। बट देर आर ऑलवेज यू विल फाइंड, यदि बहुतों में 2 भी नहीं होते हैं, सिर्फ 3 होल्स होते हैं। दैट मीन्स एक तो रेड के लिए हो गया, एक ब्लैक वायर के लिए हो गया, वट अबाउट द थर्ड वन, उसका क्या पर्पज़ है? उसका पर्पज़ होता है, और फ्यूज़ को मतलब ये जो स्विच बोर्ड है हम उनको इस तरीके से दिखाते हैं, और जो थर्ड वन है उसमें एक और वायर कनेक्टेड होता है, एंड दैट इज़ नॉट कमिंग फॉर द सब स्टेशन, नॉट फ्रॉम द पावर हाउस, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम द सब स्टेशन, और कोई ज़रूरी भी नहीं है, वो हो सकता है आपके घर में ही हो। एंड दैट वायर इज़ कॉल्ड अर्थ वायर, उसको ग्रीन कलर का वायर होता है। तो आप अपने घर में यदि स्विच बोर्ड को खोल के देखेंगे, उसमें 3 वायर आ रहे होंगे, एक रेड, एक ब्लैक, एक ग्रीन। तो ग्रीन वन इज़ ऑलवेज कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर मीन्स यदि कोई भी लीकेज करंट हुआ तो वो करंट कहाँ जाएगा? यदि किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट किधर जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, मीन्स ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब एक ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर एक खंभा मतलब एक पोल लगा देते हैं, और उस पोल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। वो आपके घर में भी हो सकता है या वो सब स्टेशन में होता है। तो नॉर्मली जो रिमोट एरिया होते हैं गाँव में, वहाँ पर तो घर के पास में ही होता है, घर के आप देखेंगे। वेयर एज इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, तो वो अर्थ का पिट क्या होता है, उसको बोलते हैं अर्थ पिट। अर्थ पिट कहाँ होता है? वो सब स्टेशन के पास में होता है। क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। यदि यहाँ ये क्लियर हो गया तो आप देख रहे होंगे कि आपके घर में जो ये वायर आ रहे हैं लाइव वायर, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। तो आप बोलते हैं ना 220 वोल्ट आ रही है, एंड दैट करंट इज़ कॉल्ड AC अल्टरनेटिंग करंट। तो आपके घर में कौन सा करंट आ रहा है? 220 वोल्ट AC अल्टरनेटिंग करंट।
सो इस केस में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पावर हाउस से सब स्टेशन तक पावर आती है, अप टू सब स्टेशन, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे घर के मीटर तक आती है और फिर हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पर बहुत सारे अपने घरों में देखा होगा कि वो लोग जो है सब स्टेशन से पावर नहीं ले रहे हैं, बिजली नहीं ले रहे हैं, दे आर सेल्फ सफिशेंट, दैट मीन्स दे आर जनरेटिंग देयर ओन पावर। तो उस केस में द सर्किट डायग्राम सिर्फ राइट साइड वाला रहेगा, ये सब स्टेशन और पावर हाउस का पार्ट ही नहीं रहेगा। पर ये पावर वो लोग ले कहाँ से रहे हैं, हाउ दे आर जनरेटिंग देयर ओन पावर? बहुत सिंपल, आज की डेट में आपने देखा होगा घरों की छत पे, रूफ पे लगे रहते हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर सोलर पैनल्स। सिमिलरली बहुत रिमोट एरिया में जिनके पास सोलर पैनल भी नहीं है, राइट, तो उनके पास क्या होता है, जनरेटर सेट, डीजी सेट, जब आपकी लाइट चली जाती है तब भी आप इसको यूज़ करते हो। और ये दोनों किस टाइप के सोर्स हैं, जो पावर हमारी सब स्टेशन से आ रही है या जो पावर हम इन दोनों से जनरेट कर रहे हैं, देर इज़ वन बेसिक डिफरेंस, इनसे जो पावर जनरेट हो रही है दैट पावर इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट। कहने का मतलब कि इन दोनों के अंदर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वन डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? ओके, नो इशू। आपने ये याद है हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट में द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, मीन्स मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रॉन पहले एक तरफ चलते हैं, मैक्सिमम दूरी तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और गैल्वेनोमीटर में मेरा जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड दिस साइकिल इज ऑलवेज देयर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। जब मैं बोल रहा हूँ आपको द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, मीन्स देर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन, कॉन्स्टेंट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, एंड इफ दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो इसी डायग्राम को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं ड्रॉ, देर इज़ नो चेंज इन फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंट कॉन्स्टेंटली एक ही मिल रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डी सी करंट, या तो डी सी बोलते हैं, इसको ए सी बोलते हैं, इसको डी सी, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सोलर पैनल, सन से सोलर एनर्जी आई, इन फोटोवोल्टिक सेल ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में, और वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट हमारे घर में आ गई। और डायरेक्ट क्यों आ गई, डायरेक्ट तो आई आई, दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें वन डायरेक्शन होता है। सो दो तरह के करंट होते हैं, दो मीन्स आप दो तरह से करंट जनरेट कर सकते हो, इन वन केस इट इज़ इन साइक्लिक मोशन और डायरेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, वेयर इज अनदर इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, कोई चेंज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, क्लियर है? और भी आपने डायरेक्ट करंट के बहुत सारे सोर्स देखे होंगे, देखें नहीं देखें, याद करो, ये क्या है, बैटरी आपकी कार में लगी होती है, घर में लगी होती है, बहुत बार आप सोलर पैनल से बैटरी चार्ज कर लेते हो और फिर बैटरी से आप बल्ब जलाते हो, दैट मीन्स इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है वो कंटिन्यूस सिर्फ एक साइड से हमेशा करंट आएगा और दूसरी साइड चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि इस साइड से वापस इधर आ जाए, ठीक है? सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन डायरेक्शन ओनली, कंसिस्टेंट। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग डायरेक्ट करंट। और याद करो, सेल बैटरीज आप यूज़ करते हो टॉर्च में, उसमें भी क्योंकि इलेक्ट्रिक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा था, बस इलेक्ट्रॉन बाहर आए जा रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं। सेम वे में ये क्या है, बटन सेल्स जो आपकी बहुत करे कैलकुलेटर्स वगैरह में, वॉचेस वगैरह में यूज़ होते हैं, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था पावर हाउस में अल्टरनेटिंग करंट होता है, जनरेट होता है, ये हमने सीखा ही था। बट ओवर द ईयर्स थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए, है ना, इनोवेशन किए लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि ये जो स्लिप रिंग थी उसको स्प्लिट कर दिया, तो ऐसे करके कट कर दिया, दो पार्ट में कर दिया। दो पार्ट करने से क्या हुआ कि अब जब करंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें और भी ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ स्प्लिट बहुत ज़्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा कि मैं ये जो अल्टरनेटिंग करंट की जो साइकिल है या इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, और मैं रिड्यूस करके इट वुड बी लाइक दिस ओनली, वो डायरेक्ट करंट भी नहीं है ना अल्टरनेटिंग करंट है, बट इट इज़ मोर नियर टू डायरेक्ट करंट, तो वो उसमें क्या है, फ्लक्चुएशंस और द वेरिएशंस आर वेरी 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 लेस। सो सच टाइप ऑफ पावर हाउसेस आर आल्सो अवेलेबल नाउडेज, ठीक है? अब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, एक और चीज़ होता है, आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, है ना, लैपटॉप हुआ, आप देखोगे उनमें ना इस टाइप का स्टिकर लगा रहता है,
220 से 240 वोल्ट्स ये लिखा रहता, मीन्स इस वोल्टेज पे ये काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स मीन्स ये जो साइकिल है, एक एक हर्ट्स मतलब था पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में 50 टाइम्स ये ऊपर नीचे हो जाएगी, मीन्स ये एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, एक बार ऊपर से लेके यहाँ तक, दैट इज़ वन साइकिल। तो ऐसे ही 50 साइकिल्स, दैट मीन्स एक सेकेंड में कितनी बार ऊपर कितनी बार नीचे हुआ, 100 टाइम्स, राइट। तो 50 हर्ट्स, और ये जो सिंबल है ये वेवीनेस का सिंबल, ये क्या बता रहा है, इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। बहुत से लोग एसी लिख देते हैं, बहुत से सिंपल बना देते हैं। 5 एम्पियर्स इज द करंट विच इज़, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पियर मालूम ही आपको, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज़ करंट। एंड जिस भी अप्लायंस पे लिखा है 130 वाट, मीन्स जैसे बल्ब होता है 100 वाट, मीन्स इतने जूस पर सेकेंड, इतनी पावर कंजम्पशन होगा, इतनी पावर कंज्यूम करेगा वो। सो एक ये स्टिकर हर इक्विपमेंट पर लगे रहता है, कुछ इक्विपमेंट में इसके साथ साथ ना एक और स्टिकर लगा रहता है, एनर्जी रेटिंग, मीन्स हाउ इफिशियंटली इट इज़ कंज्यूमिंग द एनर्जी, जो इसको काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके कुछ काम करना था, हाउ इफिशियंटली इट इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द रिक्वायर्ड वर्क डन, वो उतना इफिशियंटली कर रहा है, 100% इफिशियंट है कि नहीं है, कुछ जितने कम स्टार उतना लॉसेस ज़्यादा, मीन्स बल्ब का काम क्या है, लाइट देना, पर वो गर्म भी हो रहा होता है, दैट इज़ अ लॉस। क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक हमको क्लियर होगी, पावर हाउस से हमारे घर तक पावर आ गई, पावर कुड बी एसी और डीसी, पर नॉर्मली हमारे घर में क्या होती है, एसी पावर होती है, इसलिए किसी के घर में सोलर पैनल भी हो या डीजी जनरेटर भी हो तो बीच में एक इक्विपमेंट लगता है, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टर, नाम सुना होगा, इन्वर्टर के बाद में अगली क्लासेस में पढ़ना। बट इन्वर्टर क्या करता है, इट कन्वर्स डीसी टू एसी, तो डीसी को एसी कर देता है, सो दैट आपको अपने घर के अप्लायंसेस या सर्किट को बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आपके घर में यदि हम सर्किट की बात करें तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको ये बहुत से सारे स्विचेस लगे रहते हैं जिसके अंदर यहाँ क्या लिखा रहता है, ऑन ऑफ, और इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, थ्री पॉइंट प्लग, तो थ्री पॉइंट प्लग उसमें कितने वायर होते हैं, थ्री वायर्स, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लैक, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं, वेरी गुड। अब इसमें हमने क्या देखा, तो जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, अर्थ, रेड वाले हुए का बोला था लाइव वायर, एंड दिस इज़ द न्यूट्रल, तो ये तीन जो हैं वो एक अर्थ को, लाइव को, न्यूट्रल को बताते हैं। लाइव को हम किससे, टेस्टर से चेक कर सकते हैं, उसमें हमको करंट दिखेगा, और न्यूट्रल में करंट नहीं होगा, अर्थ में कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड। आप क्या करो, आपके पास एक ये एक फ़ैन है, आप क्या करते हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत से घरों में आप देखोगे बहुत से लोग अनसेफ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट यूजिंग दिस प्लग, थ्री पॉइंट प्लग, वो डायरेक्टली इसके दो वायर लेते हैं, एक को लाइव में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको सीधे वहाँ जैसे ही घुसाते हैं तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स नाउ द करंट हैज़ स्टार्टेड फ्लोइंग, करंट इधर से आ रहा है, इसके अंदर जो मोटर लगी है उसको घुमा रहा है, और जो रिमेनिंग है वापस न्यूट्रल के थ्रू वापस चला जा रहा है, दैट मीन्स द सर्किट इज़ कम्प्लीट। बहुत बार लोग क्या अपने बल्ब भी जलाते हैं, बल्ब में भी क्या होता है, होल्डर लगा होता है, उसमें भी दो वायर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं, एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। और यदि हमें समझूँ, आपको याद है कि पावर हाउस में पावर जनरेट हो रही है, एंड पावर हाउस में जो पावर जनरेट हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई, या पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी हाई, वो 220 वोल्ट नहीं होता है, वो भी मे बी इट कुड बी 1 लाख वोल्ट्स, 2 लाख वोल्ट्स, 3 लाख वोल्ट्स, इट डिपेंड्स कि पावर हाउस कितना बड़ा है, राइट। और टर्बाइन की जो स्पीड है, जो इधर जनरेटर जो इसको मूव कर रहा है, टर्बाइन जो जनरेटर को मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, उस पर डिपेंड होता है कि उसकी कितनी वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि पावर हाउस से क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स लाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स को यदि आपके घर में जो आ रही हैं, और हमने क्या देखा था, इन दोनों वायर को मैं डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दूँ बल्ब के निकाल के, तो भी मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि यही दो वायर तो मेरे स्विच तक आ रहे हैं, स्विच बोर्ड तक, राइट। बट एक क्वेश्चन है, इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, तो कहूँ इसका मतलब मैं ये जो ऑन ऑफ का स्विच है वो किस चीज़ को स्विच करना चाहिए, वो न्यूट्रल को करना चाहिए कि लाइव वायर को करना चाहिए, स्विच को हम यहाँ कनेक्ट करें कि यहाँ कनेक्ट करें, तो ऑलवेज स्विच को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, ये जो स्विच होता है इसमें जो वायर होता है लाइव वायर, जो आपका ये आ रहा है ना लाइव वायर, वो लाइव वायर पहले स्विच के एक पार्ट में होता है, फिर दूसरे पार्ट में कनेक्ट होता है, फिर आके वो इसमें कनेक्ट होता है, वो डायरेक्टली यहाँ नहीं कनेक्ट करते, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लाइव वायर में यहाँ पे इस होल के अंदर हमेशा लाइव करंट आता रहे, किसी बच्चे ने कुछ पेंसिल वगैरह डाल दी तो उसको करंट लग सकता है,
इसलिए क्या करते हैं कि रेड वाला जो होता है उसी के अंदर ही ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है। तो हमने ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, अब हमने क्या बोला, पावर हाउस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रही है, आपके घर में बहुत कम वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज के जो लाइव वायर को बहुत बार हम पॉजिटिव बोलते हैं या लाइव बोलते हैं, और जो ब्लैक वाला होता है उसको नेगेटिव या न्यूट्रल बोलते हैं। अब ये तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर रहा है, घर में हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट्स। तो वो कैसे आती है, तो आपके पावर हाउस और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर। इसका यदि मैं सिंबल लगाऊं तो इट इज़ लाइक दिस। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर हाउस से जो करंट आ रहा होता है, ये जो ट्रांसफार्मर की वजह से क्या होता है, जो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, और ये क्या है, पावर हाउस एसी नॉर्मली अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं इधर इधर डायरेक्शन में, करंट मूव कर रहा होता है, दोनों कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। दूसरा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस वोल्टेज को कम करने के लिए वी पुट अ ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स इसको वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जनरेट कर दे रहा है। एज अ रिजल्ट हमको हो क्या रहा है, इससे हमको करंट जो मिल रहा है, एक तो इंड्यूस करंट मिलता है, मीन्स ये बिना टच किए, देखो दूर दूर दिखा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये हमने एक दूसरी सेकेंडरी कॉइल बना ली, तो दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें भी करंट चेंज होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें करंट जनरेट होगा, तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और वो जो करंट जनरेट होता है वो एक ही तरफ चलता है, और इसके एक तरफ को क्या करते हैं, हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। दैट मीन्स मेरा जो लाइव वायर है हमेशा करंट किस में रहेगा, लाइव वायर में रहेगा, कभी भी न्यूट्रल वायर में करंट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली ट्रांसफार्मर को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ में लगा देते हैं। क्यों, सर्किट हमको कंप्लीट करना है, दैट मीन यहाँ से करंट आया, ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किए और यहाँ से ग्राउंड में चले गए, इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, अदरवाइज़ मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। समझने के लिए क्या है कि पानी को यहाँ से आके इधर निकलना है, यदि मैं टैप को बंद कर दूँगा तो पानी निकलेगा नहीं, तो पानी नहीं निकलेगा तो आपको यहाँ बल्ब जलेगा नहीं, पानी इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। सो हमको 220 वोल्ट्स मिल गई, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी क्या होगी, वेरी करेगी प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज़ वाई वी राइट प्लस माइनस 220 वोल्ट। नॉर्मली हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं, इसलिए हम खाली 220 वोल्ट्स ही लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो अपोजिट न्यूट्रल साइड क्या होगा, जीरो वोल्ट, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब एक पॉइंट बचता है, आपके घर में ये अर्थ का वायर है, इसका यूज़ कहाँ हुआ, जो हमारे प्रीवियस स्लाइड में भी था। अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, फैन चल रहा है, और मान के चलो ये जो वायर हैं बार बार यूज़ करने की वजह से कट गए, और इसकी बॉडी सपोज़ मेटेलिक बॉडी है, और ये बच्चा खेलता हुआ आया और इसने टॉयलेट भी कर दिया ना, देखो ज़मीन पे टॉयलेट भी पड़ा हुआ है, मीन्स पानी पड़ा हुआ है, गीला है ये। अब इसने जैसे ही इस बच्चे को इसको करेक्ट करेगा, और ये वायर हमारा कटा हुआ है, कोई सा भी वायर, ब्लैक वायर हो या रेड वायर हो, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट है, मींस रेड से करंट आ रहा है, मोटर में घूम के वापस किससे जा रहा है, ब्लैक से, मींस नाउ जब सर्किट लाइव है उस केस में न्यूट्रल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स देर इज़ अ करंट। अब ये दोनों में से कोई एक वायर कट गया, और ये मेटेलिक बॉडी है, इस बच्चे ने आके इसको कनेक्ट टच किया, द मोमेंट ही विल टच क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहाँ मूव कर रहे हैं, और जैसे ही इसने टच किया तो क्या होगा, इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन टच होके ग्राउंड में चले जाएंगे, बिकॉज अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़मीन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब लाइटनिंग होती है ना तो कहाँ से होती है, बादलों में होती है, गिरती कहाँ है, ज़मीन पर, क्योंकि वो ज़मीन में जाना चाहती है, बिकॉज इट इज़ जीरो पोटेंशियल होता है इसका, कितना वोल्टेज, जीरो वोल्ट बोलते हैं अर्थ को, कितना भी करंट हो इसमें चला जाएगा, वो ले लेगी, सबको संभालेगी, इसलिए बच्चे को ना बहुत तेज़ी से करंट लगा, एंड ही कैन डाई ऑल्सो। अब ये बच्चा मरे नहीं, तो उसको हमको कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि तार तो कभी भी कट सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि एक और वायर लाते हैं, ग्रीन वाला, दैट इज़ अर्थ वायर, और इसकी बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, किसकी, फ़ैन की बॉडी से। अब वो फ़ैन हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, उसकी बॉडी से कनेक्टेड रहता है। अब ध्यान से देखोगे, अपनी वॉशिंग मशीन में या किसी फ़ैन में एक एडिशनल थर्ड वायर अलग से स्क्रू से टाइट किया होता है, राइट, वो फ़ैन की मोटर में नहीं जा रहा है, वो अलग से बॉडी में टच है। सो दैट अभी इस बच्चे ने मान लो इसको टच भी किया होता और ये अर्थ का वायर होता,
बिकॉज बच्चा इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू दिस वायर जो अर्थ का वायर है, तो करंट किधर जाएगा, लीकेज करंट किधर जाएगा, लीकेज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो लीक कहाँ चला जाएगा, इसमें अर्थ में, और अर्थ कहाँ है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मीन्स ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है पर वो ग्राउंड से इस टाइप से बच्चे की तरह कनेक्टेड नहीं है, उसमें क्या करते हैं, पोल को बहुत डीप अर्थ के अंदर घुसा देते हैं, दैट मीन्स अर्थ उसको जल्दी से करंट को ले लेगी, इसका रेजिस्टेंस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस बॉय, एज अ रिजल्ट ये बच्चा इसको टच भी करेगा तो उसकी कुछ झंझनाहट सी फील होगी, बट नथिंग मेजर फर्टिलिटी विल नॉट हैपन, ही विल नॉट डाई, तो अर्थ वायर ऑलवेज प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट लीकेज करंट, क्लियर हो गया, वेरी गुड, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.